अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़्ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कमा वरद फ़ी सूरतिल बक़रा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अय्यामम मअदूदात फ़मन कान मिनकुम मरीदन अव अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र वाला लजीन युतीकूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फ़मन ततव्वा खैरन फ़हुव खैरुल लह व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुन्तुम तअलमून। शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुम्हु वमन कान मरीदन अव अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसर वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। वइज़ा सालक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाई इज़ा दआन فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ। أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ। वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल वतुदलू बिहा इलल हुक्काम लिताकुलू फरीकम मिन अम्वालिन नास बिल इस्म व अंतुम तालमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व अन सलमान अल फ़ारिसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ख़तबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी आखिर यौम मिन शअबान फ़क़ाल या अय्युहन्नास फ़क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन शहरुन मुबारकुन शहरुन फ़ीहि लैलतुन ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर जअलल्लाहु सियामहु फ़रीदतन व क़ियाम लैलिही ततव्वुअ इलल आख़िर। रवाहुल बैहक़ी फ़ी शुअबिल ईमान। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बना अल्हिमना रुश्दना वाइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़्ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़्ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। मैंने अभी आपको वो 6 आयात पढ़कर सुनाई हैं। इन पर सूरह बकरा का 23वां रुकू मुश्तमिल है और एक एतबार से ये पूरे कुरान में मुनफरिद है कि इसमें दीन इस्लाम के जो 5 अरकान हैं, आपको मालूम है उनमें कलमा शहादत है, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है। तो इनमें से एक रुकन जो है सियाम रोज़ा, उसके बारे में उसके जुमला अहकाम, इब्तदाई अहकाम क्या थे, तकमीली अहकाम क्या थे, फिर उसकी हिकमत दर्जा बदर्जा, रोज़ा महज रोज़ा होता तो उसकी हिकमत क्या थी, मकसद क्या था, और रोज़े के साथ रमज़ान मुबारक का प्रोग्राम क़ियामुल लैल को शामिल किया गया तो उसका मकसद क्या है, उसका मतलूब क्या है, उसका मकसूद क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो एक मकाम पर आ गई। नमाज के बारे में आपको मालूम है कि उसका हुक्म तो बेशुमार जगह आया है, लेकिन अहकाम वज़ू के हुक्म कहीं और है, नमाज सफ़र की उसका हुक्म कहीं और है, नमाज खौफ का हुक्म कहीं और है। तो मुख्तलिफ मालूम होता है कि वो और औक़ात जो है नमाज के वो मुख्तलिफ मकामात से अखज़ किए गए हैं। किसी एक जगह पर तफसील के साथ 5 जो नमाज के औक़ात हैं वो मौजूद नहीं है। तो इस एतबार से वो कुरान मजीद के अंदर वो मामला जो है मुंतशिर है। इसी तरह ज़कात का मामला है कि ज़कात का हुक्म तो बेशुमार मरतबा आया है, उसके अहकाम कुरान में नहीं है। उसका निसाब क्या है, किसके ज़िम्मे ज़कात वाजिब है, उसका फिर उसकी क्या रेशो है, क्या निस्बत है, क्या मकदार है, कहीं नहीं है, ये अहादीस से। हज का मामला है तो वो भी कम से कम 2 मकामात पर, बल्कि इससे ज़ायद मकामात पर आपको उसका जिक्र मिलेगा। मक्की सूरतों में भी है, सूरह हज उसमें 2 रुकू मुसलसल हैं, फिर मदनी सूरतों में से सूरह बकरा, इसके बाद जो है 23वें रुकू के बाद 24 और 25वां रुकू पूरा जो है वो हज के मनासिक पर मुश्तमिल है। उससे कुछ पहले जो है वो सई बैन सफ़ा वल मरवा जो है उसका जिक्र 20वें रुकू के आखिर में आ चुका है। हज की फर्जियत का हुक्म जो है वो सूरह आल इमरान में है। लेकिन ये कि सौम की इबादत जो है, जो कि ख़ुद एक रुकन है इस्लाम का, उसके मामले में ये 6 आयात इतनी जामे हैं कि अगर इनको इंसान समझ ले तो कुल मालूमात जो है सौम के बारे में जो मतलूब है वो उसको हासिल हो जाएगी, उसके अहकाम भी, उसकी हिकमतें भी। तो इसी हवाले से आज इन पर गुफ्तगू होगी, लेकिन दर्स के अंदाज में नहीं, बल्कि मेरी अपनी गुफ्तगू के दौरान इन आयात का हवाला आएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप उस वक्त भी अपनी निगाहें जो है उसके टेक्स्ट के ऊपर मरकूज़ करें, ताकि आपके जहन में जो है ये मज़ामीन आयात के अल्फाज के साथ एसोसिएशन कायम करके महफूज हो जाए। अच्छा, इसके अलावा फिर मैंने वो खुतबा पढ़ा है, बल्कि उसका इब्तदाई कलमात सिर्फ पढ़े हैं, जिसके बारे में हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि हुजूर ने हमें यह खुतबा इरशाद फरमाया शाबान के आखिरी दिन। तो ये गोया कि इस मुनासबत से आज हमारा उस खुतबे को पढ़ना जो है बहुत ही मौजू है, इसलिए कि ये खुतबा जो है आज, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, हो सकता है, बल्कि गालिब इम्कान इसी का है कि आज शाबान का आखिरी दिन है। तो गोया कि हम हुजूर के नक्शे कदम की पैरवी करते हुए, आपकी सुन्नत पर अमल करते हुए, हम इस वक्त इस खुतबे को पढ़ेंगे। ये खुतबा जो है इसका मुकम्मल तर्जुमा जो ताज़ा इशू है निदाए खिलाफत का, उसमें सरवर्क पर दर्ज कर दिया गया नुमाया तौर पर। फिर हमने एक 4 वर्क़े की हैसियत से किताबचे की शक्ल में भी इसको शाये किया है। बदकिस्मती से उसका अहतमाम नहीं हो सका कि वो यहाँ सब के लिए पेश किया जाता, लेकिन ये कि कुछ न कुछ नुस्खे उसके यहाँ आए हैं, उसमें भी ये पूरा खुतबा दर्ज है। फिर एक नाशिर ने, जिनका ताल्लुक़ वैसे तंजीम इस्लामी के साथ है, इसको खूबसूरत अंदाज में शाये किया है 4 वर्क़े को, लेकिन उसकी उन्होंने कीमत रखी है कि इसके 10 नुस्खे 10 रुपये में आपको मिल जाएंगे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लें और ताकि लोगों में तकसीम करें, ताकि वो जहनी तैयारी जो है, जहनी और कल्बी और रूहानी रमज़ान मुबारक की बरक़ात से सही तौर पर मुस्तफ़ीद होने के लिए उसमें आपके दोस्त, अज़ा और क़रीब रिश्तेदार भी शरीक हो सकें। मैं सबसे पहले अब आगाज़ कर रहा हूँ इसी खुतबे के उन अल्फाज से कि जो यहाँ पर दर्ज हैं। आप भी उसकी मतन पर निगाह रखिए। अन सलमान अल फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये रिवायत है। हज़रत सलमान, आपको मालूम है कि ईरान में पैदा हुए और उनके वालिद जो हैं वो आतिशकदे के बड़े ज़िम्मेदार आदमी थे, लेकिन इनको नफ़रत पैदा हुई कि ये आग हम खुद जलाते हैं, ईंधन उसमें न डालें तो बुझ जाती है, हम कैसे इसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं, उससे दुआएं मांगें। बहरहाल इस बिना पर जो भी चपकलिश हुई, तो जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके वालिद ने घर से निकाल दिया था, इन्हें भी घर से निकलना पड़ा। जैसे हज़रत इब्राहीम ने फिर हिजरत की थी और वो इराक़ से जो है शाम की तरफ मुंतकिल हुए थे, तो ये ईरान से शाम की तरफ मुंतकिल हुए। वहाँ जाकर उन्होंने ईसाईयत का मज़हब इख्तियार किया, राहिबों के पास रहे। आखिरी राहिब जिसके पास थे ज़ेरे तरबियत और तालीम थे। तो जब उसके इंतकाल का वक्त आया तो इन्होंने कहा कि मुझे तो अभी तशफ़ी नहीं हुई पूरे तौर से, आपने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ समझाया है और मैंने आपसे बहुत कुछ फैज़ हासिल किया है, लेकिन अभी तो मुझे तशफ़ी नहीं हुई। अब आपका इंतकाल हो रहा है, मैं आपके बाद किसके पास जाऊँ? तब उसने कहा कि मेरा इल्म मुझे बताता है कि नबी ये आखिरुज़ ज़मान का ज़हूर अब करीब है और वो जनूब में खजूरों की सरजमीन में होगा। तो तुम जाओ, ट्राई योर लक, जाओ देखो शायद किस्मत तुम्हें उनके कदमों में पहुंचा दे। तो वो वहाँ से रवाना हुए एक काफ़िले के साथ। काफ़िले पर डाकुओं ने हमला किया, इन्हें पकड़ कर ग़ुलाम बना लिया, ग़ुलाम बना कर बेच दिया। लेकिन ये देखिए किस्मत उनकी कि मदीने के यहूदी ने ख़रीद लिया। अब मदीने पहुँच गए, अब वहाँ ख़बरें इन्हें मिल रही हैं कि मक्के में किसी साहब ने दावा किया है नबूवत का, लेकिन इनके पाँव में तो ग़ुलामी की बेड़ियाँ, ये मक्के तो नहीं जा सकते। तो मैं कहा करता हूँ कि ये इस शख्स की किस्मत है कि जैसे हम कहते हैं कि प्यासा कुएँ के पास जाया करता है, कुआँ तो प्यासे के पास नहीं आता, लेकिन यहाँ क्या हुआ, कुआँ चलकर प्यासे के पास पहुँचा है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर मदीने तशरीफ़ ले आए। तब इन्होंने अपने आका से एक रोज़ कुछ थोड़ी सी खजूरें मांगी, लीं और इजाज़त तलब की और जाकर हुजूर की खिदमत में पेश की, क्योंकि उसने ये बताया था राहिब ने कि वो हदिया तो कबूल कर लेंगे, सदक़ात कबूल नहीं करेंगे, सदका कबूल नहीं करेंगे। तो इसी इम्तिहान के लिए जाकर हुजूर की खिदमत में वो खजूरें पेश की। हुजूर ने पूछा क्या है, अर्ज़ किया सदका। फरमाया नहीं, मैं सदका कबूल नहीं करता, ये गरीबा का हक़ है, दे दो, तकसीम कर दो। फिर कुछ अरसे के बाद फिर कुछ खजूरें ली होंगी अपने उस आका से, फिर पहुँचे। फिर जब हुजूर ने पूछा क्या है, अर्ज़ किया कि ये हदिया। आपने फरमाया हाँ ठीक है, हदिया मैं कबूल करता हूँ। तो फ़ौरन कदमों में गिर गए, ईमान ले आए। और इनका मामला जो है ये भी जान लीजिए कि ये फ़ुक़राए सहाबा में से थे जो कोई काम नहीं करते थे, हमा वक्त हुजूर के साथ रहना। और इस एतबार से हुजूर ने इनके बारे में ये भी कहा है कि सलमान व मिन्ना मिन अहलिल बैत, सलमान जो है वो हमारे अहल बैत में शामिल है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनकी रिवायत है काला ख़तबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो फरमाते हैं कि हमें खुतबा इरशाद फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी दिन। फ़क़ाला, और फरमाया या अय्युहन्नास, ए लोगो, क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम, तुम पर एक अज़मतों वाला महीना साया फगन हो गया है। ज़िल कहते हैं साए को, अज़ल्लकुम तुम पर साया फगन हो गया है, एक बहुत अज़मतों वाला महीना। अब देखिए ये वही है बात जो अंग्रेज़ी के मुहावरे में है कि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज़ बिफोर, आने वाले वाक़यात का एक साया सा पहले से पड़ जाता है। तो अभी महीना शुरू नहीं हुआ रमज़ान मुबारक का, लेकिन वो आया चाहता है। तो गोया कि उसका एक साया पहले आ गया है, जिसको हुजूर फरमा रहे हैं कि तुम पर साया कर लिया है एक ऐसे महीने में कि जो बहुत अज़मतों वाला है। शहरुन मुबारकुन, वो महीना बहुत बरकतों वाला है। शहरुन फ़ीह लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये वो महीना है कि जिसमें एक रात वो भी है कि जो 1000 महीनों से अफजल है। और ये जाहिर बात है कुरान मजीद की सूरत है मुकम्मल, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर, उसकी तरफ इशारा है। अब उसके बाद जो जुमला है जअलल्लाहु सियामहु फ़रीज़तन, अल्लाह ने इस महीने का रोज़ा रखना फ़र्ज़ करार दे दिया है। वह क़याम लैलही, एक तो क़यामुल लैल के लफ्ज़ पर गौर कीजिए, और इसकी रातों के दौरान खड़े रहने को ततव्वुअन, आज़ाद मर्जी पर छोड़ दिया है। तो गोया कि इस रमज़ान मुबारक के दो प्रोग्राम हैं, एक प्रोग्राम दिन से मुताल्लिक़ है वो है रोज़ा, और एक क़याम रात से मुताल्लिक़ है और वह है क़यामुल लैल। दिन का प्रोग्राम फ़र्ज़ है, रात का प्रोग्राम फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन एक तरह की तशवीक़ और तरगीब उसके लिए जो है तहरीस ये मौजूद है। वरना तो ये है कि हर रात जो है उसमें तहज्जुद आप पढ़ें, रात को खड़े रहें, वो अल्लाह ताला को बहुत पसंदीदा है। तहज्जुद हुजूर के लिए तो फ़र्ज़ के दर्जे में रही है, लेकिन आम मुसलमानों पर फ़र्ज़ नहीं है। अलबत्ता जो कोई कर सके उनके लिए यकीनन बहुत आला मरातिब है, बहुत ऊँचे दर्जात हैं। तो वो तो किसी भी शब में पूरे साल आप करें, लेकिन इसके लिए ख़ास तौर पर चूँकि अहतमाम किया गया, लिहाजा ज़्यादा का जो फ़ेल है उसके मफूल में जहाँ ये शामिल है, नंबर एक जअलल्लाहु सियामहु फ़रीज़तन, रोज़ा रखना फ़र्ज़ करार दे दिया, और उसकी रातों को खड़े रहना ये तुम्हारी मर्ज़ी पर छोड़ दिया, इसे फ़र्ज़ नहीं किया है। बस इस तमहीद के बाद अब मैं शुरू करूँगा इस्तक़बाल रमज़ान के ज़िमन में रोज़े के की हिकमतें क्या हैं, उसके अहकाम क्या हैं। नंबर एक शरीयत मोहम्मदी में रोज़े की तदरीजी फ़र्जियत, ये जो तमहीदी मजमून है इस ज़िमन में वो बहुत अहम है। पहली बात ये जान लीजिए कि अहले अरब जो है, कुरैश भी अहले मक्का और कुरैश के ताबे बाकिया तमाम बनी इस्माइल भी, और उनके ताबे जो भी अरब में दूसरे कबीलों के लोग थे कि जो अरबी थे और मुशरिक थे, वो सब इसके अंदर मुराद हैं। तो फरमाया गया कि उस इन लोगों में रोज़े की इबादत मारूफ नहीं थी। या तो ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में रोज़े की इबादत थी ही नहीं, क्योंकि ये लोग अपने कौल के मुताबिक मिल्लत इब्राहीम पर थे, लेकिन यह है कि बहरहाल रोज़े की इबादत से नाआशना थे। क्या वजह है ये हम नहीं जानते। आपको मालूम है नमाज से वो वाकिफ़ थे, अगरचे उसका हुलिया उन्होंने बिगाड़ दिया था, तालियां बजाते थे, सीटियाँ बजाते थे ये, लेकिन नमाज कहते थे उसे, नमाज। तवाफ़ से वो वाकिफ़ थे, अगरचे उसके जीवन में इतनी घिनावनी हरकत भी की थी कि मर्द और औरतें वो बिल्कुल ब्रहना होकर तवाफ़ करते थे, तो इसे बहुत फजीलत वाली बात समझते थे, बहुत खुदा रसीदगी की बात समझते थे कि कामिल ब्रहना होकर तवाफ़ किया जाए, लेकिन बहरहाल तवाफ़ था। इसी तरह क़याम अरफा, क़याम मिना, ये भी मौजूद थे। तो हज के भी बहुत से अरकान जो हैं वो उनके यहाँ मारूफ़ थे। और वैसे खैरात और सदक़ात, चाहे ज़कात एक ख़ास निज़ाम के तहत नहीं थी, लेकिन ज़कात और सदक़ात, भूखों को खाना खिलाना, ये उनके यहाँ आला अक़दार में ये चीज़ें शामिल थी, अखलाकियात के ऊँचे मकामात में। कि सौम का उनके यहाँ कतन कोई जिक्र नहीं था, रोज़े की इबादत जो है उनके यहाँ बिल्कुल नहीं थी। अलबत्ता सौम का लफ्ज़ मौजूद था। ये लफ्ज़ वो इस्तेमाल करते थे अपने घोड़ों के लिए, रोज़ा रखवाते थे घोड़ों को। इसका पस मंज़र ये है कि उनके यहाँ आपको मालूम है कि लड़ाई, दंगा, फसाद, जंग और ये कि गारत गरी करना, लूट मार करना, ये तमाम इन अरब कबाइल का पेशा था, असल पेशा यही था। इसमें इनके पास दो जानवर थे, एक तो ऊँट। ऊँट जो है वो उनकी जो बाबो हवा है और उनके जो हालात हैं उसके साथ पूरी मुताबिकत रखता है, यानी उसे कई कई दिन खाने को न मिले उसे परवाह नहीं, हफ्ता हफ्ता भर पानी न मिले उसे कोई परवाह नहीं। इस एतबार से धूप की कितनी ही जो है तपिश हो, ऊँट को कुछ नहीं कहती। लेकिन ये कि वो सुस्त रफ्तार जानवर है, लड़ाई के लिए, जंग के लिए, ख़ास तौर पर गारत गरी जहाँ करनी हो, जहाँ जाकर गोया कि डाका मारना, फिर दौड़ना है, भागना है, वापस जाना है, तो उन्हें घोड़े की ज़रूरत होती थी जो सरीउल रफ्तार है। लेकिन घोड़े में ये औसाफ नहीं थे, वो भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुजमहिल हो जाएगा, वो प्यास को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुजमहिल हो जाएगा, वो धूप को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुजमहिल हो जाएगा, और अगर ये घोड़ा मुजमहिल हो जाए तो सवार का क्या हशर होगा, वो आप उससे अंदाज़ा कर लीजिए कि असल में तो फिर हलाकत सवार की होगी। इसलिए वो इसे तैयार करते थे जंग की सऊबतों को बर्दाश्त करने के लिए। उसका दाना पानी बंद कर दिया और उसका मुंह जो है वो अरब बद्दू जो होता था, ख़ुद तो अपना चेहरा और सर लपेट लेता था कपड़े के अंदर जब वो चलती थी। उनके यहाँ बाद समूम, तेज़ आग जैसी हवा जो है जिसके अंदर रेत के ज़र्रात भी ऐसे होते थे गोया कि किसी भाड़ की जो है उसके अंदर की रेत जो है वो चली आ रही है। तो घोड़े का रुख उधर करके खड़े कर देते थे उसको, खुद अपने मुंह पर डाटा वाटा बांधा हुआ अपनी हिफाजत के लिए, ताकि इसके अंदर धूप की सख्ती बर्दाश्त करने की आदत पैदा हो जाए, प्यास की बर्दाश्त करने की आदत पैदा हो जाए, भूख को बर्दाश्त करने की। इसको कहते थे सौम। सौम के लफ्ज़ी मानी रुक जाना। अब ये खाने पीने से रुका हुआ है और ये धूप की सख्तियाँ बर्दाश्त करने के लिए धूप के अंदर, और वो जो आती थी वहाँ पे बाद समूम, उसके अंदर भी उसका सामना करने के लिए तैयार है। तो ये पस मंज़र है रोज़े का लुग़वी एतबार से, और ये कि अहले अरब जो है पुराने वो इस इबादत से नावाकिफ़ थे। लिहाजा हमें पूरे मक्की कुरान में इसका कहीं जिक्र नहीं मिलता। अलबत्ता मदीने में जब हुजूर तशरीफ़ लाए और सहाबा किराम हिजरत के बाद, तो यहाँ आपने देखा कि यहूदी जो है वो रोज़ा रखते हैं यौम आशूरा का, 10 मुहर्रम का। तो हुजूर ने दरियाफ्त किया कि ये तुम 10 मुहर्रम को रोज़ा क्यों रखते हो? तो उन्होंने कहा कि ये दिन हमारी निजात का दिन है। 10 मुहर्रम को अल्लाह ताला ने फ़िरौन को गर्क किया था और हमें निजात दी थी उसके जुल्म सितम से, तो शुक्राने के तौर पर हम रोज़ा रखते हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि मूसा के तो फिर हम तुमसे ज़्यादा हकदार हैं, हम मूसा को मानते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, तो हम भी रोज़ा रखेंगे। तो आपने सहाबा को हुक्म दिया कि आशूरा का रोज़ा रखा करो। फिर कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आ गया और ये हुक्म जो है इस रुकू की पहली आयत के अंदर है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिब अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिब अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। लेकिन जैसा कि मैं बाद में बताऊँगा, ये हुक्म सौम रमज़ान का नहीं है, बल्कि ये कि अल्लाह के हुक्म से पहले 3 दिन के रोज़े फ़र्ज किए गए। हर महीने की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख को रोज़ा रखो। इसमें बड़ी हिकमत थी, चूँकि ये अरब आदि नहीं थे रोज़े के, तो इन्हें तदरीजन खूकर करना था। जाहिर बात है कि 30 दिन जो है वो तो एक बड़ी मुद्दत है, और जाहिर बात है कि मई का महीना भी आ जाएगा, उसमें जून भी आएगा, जुलाई भी आएगा, क़यामत खेज़ महीने आ जाएंगे, तो बड़ी हिम्मत जवाब दे जाएगी। तो पहले रोज़ा हर महीने 3 रोज़े रखने की इनको मशक कराई जाए ताकि ये आदी हो। ये 3 रोज़े अगर मई में भी आ गए, जून में भी आ गए, तब भी ठीक है, उसको इंसान 3 दिन की तो मुशक्क़त बर्दाश्त कर सकता है। तो पहले ये किया गया, लेकिन इसके ज़िमन में ये हुक्म दे दिया गया, इसको कहते हैं वजूब अलत तखीर, ये इख्तियार दे दिया गया कि ये 3 रोज़े तुम पर वाजिब किए जा रहे हैं, लेकिन ये कि अगर तुम ये रोज़े न रखो तो तुम फिदिया दे सकते हो, 1 मिस्कीन को खाना खिलाना सुबह शाम। यह है वजूब अलत तखीर। दूसरी रियायत यह दी गई कि अगर कोई शख्स इन 3 तारीखों में बीमार हो या सफ़र पर हो तो वो तादाद दूसरे दिनों में पूरी कर ले। यह है गोया कि सबसे पहला हुक्म जो दिया गया है। और इसके ज़िमन में अब मैं चाहता हूँ कि आयत नंबर 2 आप अच्छी तरह पढ़ लें, अपना सामने रखिए और उसके हवाले से ये बात समझ लीजिए। अय्यामम मादूदात, ये दिन है चंद गिनती के। मुझे हैरत होती है कि जदीद जो मुफस्सरीन हैं, जिन्होंने उर्दू में तर्जुमे किए हैं, तफसीरें की हैं, उन सब के निगाहों से ये बात ओझल रही कि ये दर हकीकत रमज़ान के रोज़े का जिक्र नहीं है, बल्कि उस इब्तदाई हुक्म से मुताल्लिक़ है कि जो हर महीने में 3 दिन के रोज़े रखने का हुजूर ने दिया था। लेकिन यह कि मेरा अपना ज़ाती वाक़या ये है ज़िंदगी का, और ये अहम वाक़यात में से है। मैं जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, समझिए 19-20 साल की मेरी उम्र, उस वक्त भी मुझे ये एहसास हुआ था कि ये जो 2 आयात आई हैं यहाँ एक दूसरे के तकाबुल में, ये बैक वक्त नाजिल नहीं हो सकती, इनमें वक्फ़ा होगा। और यकीनन पहला हुक्म किसी और पस मंज़र में है, दूसरा हुक्म जो बाद में हम देखेंगे वो किसी और पस मंज़र में है। तो मेरी राय ये थी और मैं इस पर कायम भी था, बयान भी करता था, लेकिन डरता था इसलिए कि उस वक्त तक जितनी तफसीरें मैंने देखी थी, तर्जुमे देखे थे, उनमें से किसी ने ये बात कही नहीं थी। तो एक आदमी अपनी राय के ऊपर इतनी बड़ी बात कह दे तो मैं डरता रहता था, लेकिन कहता था कि मेरी राय यही है। फिर इत्तेफाक से जमात इस्लामी हिंद का तर्जुमान होता था माहनामा ज़िंदगी, औरूज अहमद कादरी साहब उसके मुदीर थे। वो जो एक पर्चा आया उसमें उन्होंने तनकीद की थी मौलाना सैयद अनवर शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर, कि उन कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह उनके ऊपर ये तनकीद की थी कि उन्होंने ये अजीब बात कह दी है कि ये जो हुक्म है ये रमज़ान का नहीं है, बल्कि रमज़ान से पहले जो हुजूर ने हुक्म दिया था 3 दिन के रोज़े रखने के, उससे मुताल्लिक़ है। अब मुझे उसके ऊपर पूरा इत्मीनान हो गया कि अगर सैयद मोहम्मद अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की राय ये है तो मुत्तफ़क़ गर्दीज़ राय बू अली बाराय मन, मुझे अब इससे ज़्यादा और किसी सनद की ज़रूरत नहीं है। बाद में मैंने जब तफसीर कबीर इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह की, उसका भी मुताला शुरू किया तो मैं हैरान हुआ कि सल्फ़ में तो ये राय कसरत से मौजूद थी। क्या सबब हुआ है कि आज के दौर के जो मुतरजमीन और मुसन्निफ़ीन हैं उनकी निगाहों से बिल्कुल ये बात ओझल हो गई। इस मामले को मैं हल आज तक नहीं कर सका, लेकिन अब मैं पूरे तयक़ुन से आपसे कह रहा हूँ कि ये जो पहली 2 आयतें हैं इनका ताल्लुक़ सौम रमज़ान से नहीं है, बल्कि इनका ताल्लुक़ है वो 3 दिन के। इसकी सबसे बड़ी दलील इसके अंदर मौजूद है, अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन। अब 30 या 29 दिन जो है वो गिनती के चंद दिन नहीं हो सकते, वो अच्छी बड़ी तादाद है। फिर ये है कि ये मादूदात जो है इसको कहा जाता है जम्य क़िल्लत, ये ज़्यादा से ज़्यादा 9 पर इसका इतलाक़ होता है, इस वज़न पर जो जमा आती है। और इसमें जो है ख़ुद कुरान मजीद में हज के सिलसिले में मिना के क़याम के ज़िमन में अल्फाज आए हैं, अय्याम मादूदात फमन तअज्जल फ़ी यौमैन फ़ला इस्मा अलैह वमन तअख़्ख़र फ़ला इस्मा अलैह। मिना में क़याम है गिनती के चंद दिन, तो जो 2 दिन ही में जल्दी करके वहाँ से वापस हो जाए उस पर भी कोई इस गुनाह नहीं है, और जो मौखर करके 3 दिन पूरे करे उस पर भी कोई गुनाह नहीं। तो वहाँ पर भी नज़ीर मौजूद है कि 2 या 3 दिन पर इसका इतलाक़ हो रहा है। तो यहाँ पर याम मादूदात से लाजिमन ये मुराद है कि ये 3 दिन जो है हर महीने में 13वीं 14वीं 15वीं दर हकीकत उस रोज़े से मुतालिक ये आयत आ रही है। और ये भी नोट कर लीजिए कि रमज़ान के रोज़े की फर्जियत के बाद भी हुजूर का मामूल और आपके सहाबा का और जो भी हमारे यहाँ इत्तबा करते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवाफिल में भी उनका ये मामूल है। हर महीने में ये 3 रोज़े हुजूर बाद भी रखते थे और आपके बहुत से सहाबा रखते थे और आज भी हमारे यहाँ बहुत से लोग जो दीनदार हैं और जिनके अंदर ये जज्बा है इत्तबाए सुन्नत का वो कर रखते हैं। 13वीं 14वीं और 15वीं तारीख़ों का इनको अय्याम 20 कहते हैं। इसकी रातें रोशन होती हैं। 13वीं रात 14वीं रात 15वीं रात चाँद जो है उसके अंदर आपको मालूम होता है 14वीं को तो मुकम्मल होता ही है, 13वीं और 15वीं का भी तकरीबन मुकम्मल है। तो अय्याम 20 के रोज़े जो हैं बाद में भी बरकरार रहे हैं लेकिन नफलन फ़र्ज उसके बाद जो है वो रमज़ान के रोज़े हो गए। तो अय्याम मादूदात ये दिन हैं गिनती के। फमन कान मिनकुम मरीदन अला सफ़र फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो जो कोई भी तुम में से हो बीमार या सफ़र पर तो वो तादाद पूरी कर ले दूसरे दिनों में। गोया कि अब अगली क्या एक तो ये रियायत हो गई। दूसरी रियायत वाला लजीना युतीकूनहु फिद्यतुन तआमु मिस्कीन, और उन लोगों के ज़िम्मे के जो इसकी ताकत रखते हों, यानी मरीज़ भी नहीं है सेहतमंद है रोज़ा रख सकते हैं, सफ़र भी नहीं है सफ़र पर नहीं है मुकीम है रोज़ा रख सकते, फिर भी ना रखें तो उनके लिए भी एक इख्तियार। इसीलिए मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था वजूब अलग तखयीर, वाजिब तो है लेकिन उसमें एक इख्तियार दे दिया गया है। वो इख्तियार क्या है? फिदियतुन ताम मिस्कीन, तो फिर यह है कि एक मिस्कीन को खाना खिला देना। फिदिया कहते हैं किसी चीज़ का बदल हो जाए, जैसे कि जंगी मुजरिम है उसका फिदिया है, गोया कि उसको देकर वो फिर आज़ाद हो जाएगा, फिदिया इसको कहते हैं। फ़िदियतुन ताम मिस्कीन, लेकिन यह है कि फ़मन ततव्वा खैरन फ़हुव खैरुल्लाह, और जो नेकी से खैर करना चाहे मज़ीद तो वो उसके लिए बेहतर है। 1 के बजाय 2 को खिलाए 3 को खिलाए 4 को खिलाए 10 को खिलाए, तो ये तो तरगीब है, लेकिन कम से कम एक मिस्कीन को खाना खिलाना 2 वक्त का। वह अंतसूमू खैरुल्लकुम, अब देखिए ये लफ्ज़ बोल रहे हैं अगर तुम रोज़ा रखो तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। यानी अगरचे इख्तियार तुम्हें दे दिया है, इख्तियार ये है कि रोज़ा रखो, अगर न रखो तो फिरिया दे दो एक मिस्कीन का खाना, लेकिन अगर तुम रोज़ा रखो इन कुंतुम तालमून, अगर हकीकत में तुम इल्म रखते हो कि रोज़े के अंदर क्या क्या बरक़ात हैं तो तुम्हें रोज़ा लाजिमन रखना चाहिए। तशवीक़ और तरगीब मौजूद है लेकिन यह कि उसकी फ़र्जियत या वजूब नहीं है। ये था इब्तदाई हुक्म रोज़े के ज़िमन में। अब इसके बाद अगली आयत जो है उसके भी पहले हिस्से को मत पढ़िए, शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, इसके बारे में तो बाद में गुफ्तगू होगी। बय्यिनात मिनल हुदा वल फुरक़ान, लेकिन अगला जुमला फमन शहिदा मिनकुम शहर फलयसुम, अब ये रमज़ान के रोज़े की फ़र्जियत का हुक्म आया है। रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, इसके बारे में जैसा कि मैंने अर्ज़ किया फिर बाद में अर्ज़ करूँगा। लेकिन जो शख्स भी तुम में से मौजूद हो इस महीने में, अपने घर में मौजूद है अपने शहर में मौजूद है सफ़र पर नहीं है, या ये है कि जो शख्स भी इस महीने को पाए उसकी ज़िंदगी में ये महीना आ जाए, ये बरकतों का एक मौका उसे मज़ीद हासिल हो जाए। फल यसुम ये अमर का सीगा है, ये वजूब है मुतलकन। अब इसमें जो 2 रियायतें पहले दी गई थी उनमें से एक को बरकरार रखा। वमन काना मरीजन और अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, यही वो अल्फाज हैं जिनकी बना पर मेरा गुमान उस वक्त भी ये था कि ये 2 बैक वक्त नाजिल नहीं हो सकती आयात। ये जो तकरार है बेमानी तकरार हो जाएगी फिर अगर एक ही वक्त में नाजिल हो रही हो, और कुरान मजीद की फसाहत और बलागत से ये चीज़ बईद है कि वहाँ पर इस तरह की तकरार बिला सबब हो रही हो। कुरान में और बहुत सी आयात हैं जिनमें के आपको मालूम है कि पूरा रुकू है सूरह मुज़म्मिल का जिसमें क़ियामुल लैल का हुक्म है, फिर उसी के आखिर में वो आयत शामिल कर दी गई है जो कम से कम 1 साल बाद नाजिल हुई है, जिसमें कि रात के क़ियाम का वजूब ख़त्म कर दिया गया और सिर्फ यह कि जितना भी तुमसे मुमकिन हो सका करो। ज़रूरी नहीं है कि तिहाई शब हो, आधी हो, 2 तिहाई हो, जितना भी मुमकिन हो कुरान पढ़ा करो रात को। गोया कि वो फ़र्जियत जो थी क़ियामुल लैल की वो ख़त्म हो गई। तो इस हवाले से वो जो नासिख है मनसूख करने वाली आयत भी उसके साथ ही रख दी गई है ताकि वो जो असल हुक्म था वो भी बरकरार सामने रहे और जिसने आकर उसे मनसूख किया वो भी बरकरार रहे और सामने रहे। इसी तरह यहाँ पर भी ये हुक्म आया, कितने अरसे के बाद आया ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये कुछ अरसे के बाद आया है कि रमज़ान का महीना वो है कि जिसमें कुरान नाजिल किया गया है। अब जो शख्स भी इस महीने को पाए उस पर लाजिम है कि उसके रोज़े रखे। हाँ, मन काना मरीज़न अव अला सफ़रिन, जो शख्स हो मरीज़, बीमार हो या सफ़र पर हो, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो वो तादाद पूरी कर ले दूसरे दिनों में। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उसर, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, सख्ती नहीं चाहता। ये असल में क्यों कहा है, इसकी वजह समझ लीजिए। आज भी आपको अपने यहाँ ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनका तकवा का तस्वूर इतना गलत हो गया है कि 104 दर्जे का बुखार है, रोज़ा छोड़ने को तैयार नहीं। भले आदमी हो, अल्लाह ने तुम्हें एक रुख्सत दी हुई है तो खामखा अपने ऊपर ये शिद्दत क्यों ले रहे हो? लेकिन लेते, रोज़ा छोड़ने को तैयार, रोज़ा कज़ा नहीं करूँगा। सफ़र पर जा रहे हैं और रोज़ा कज़ा करने को तैयार नहीं। एक मौके पर एक गज़वे के दौरान ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने रोज़ा रखा हुआ था, लेकिन वो इतने यूँ समझिए मुजमहिल हो गए कि जब पड़ाव पर पहुँचे तो जिनका रोज़ा नहीं था उन्होंने तो बड़ी चाको चौबंद तरीके से खेमे नस्ब किए, सारा बंदोबस्त किया और ये जाकर बेसुध होकर बेहोश होकर गिर पड़े। तो हुजूर ने फरमाया उनको देखकर, लैसा मिनल बिर्र अस्सियाम फी सफ़र, सफ़र में रोज़ा रखना ये कोई नेकी का काम नहीं है। ये नेकी का गलत तस्वूर है कि जो तुमने अपने इख्तियार कर लिया। ये तुम्हारे अंदर तशद्दुद पसंदी पैदा हो रही है दीन के अहकाम में। जो मकसद है वो क्या है? युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसर। इसी पर अमल करते हुए हुजूर ने फरमाया है कि जो भी उलमाए दीन है या जो रहनुमायान दीन है उनका काम क्या है? आपने फरमाया यस्सिरू वला तुअस्सिरू, देखो आसानियाँ पैदा करो, सख्तियाँ पैदा न करो। दीन में सख्तियाँ पैदा करना भी वो इसरो रगलाल बन जाता है कि जिसको रफ़ा करने के लिए और जिससे लोगों को, यहूदियों को और तमाम अहले किताब को निजात देने के लिए अल्लाह ताला ने अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। व यज़ाउहुम इसरहुम वल अगलाल लती कानत अलैहिम, कि जहाँ वो नेकी का हुक्म देते हैं, बदी से रोकते हैं, पाकीज़ा चीज़ों को हलाल ठहराते हैं और खबीस चीज़ों को, नापाक चीज़ों को हराम करार देते हैं, वहीं वे लोगों के ऊपर से वो बोझ भी ख़त्म करते हैं कि जो उन्होंने खाम खा अपने ऊपर लाद लिए। तो उनमें से ये भी है कि ये नेकी का काम नहीं है कि आप सफ़र में हैं और रोज़ा रख रहे हैं। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसर वलितुकमिलुल इद्दत, लेकिन ये बात वाज़े रहे कि अब तुम्हारे लिए तादाद को पूरा करना लाजिम है। ये नहीं है कि आप उसकी जगह पर फिदिया दे दें तो बात पूरी हो जाएगी, नहीं। रोज़े की तादाद, आपके रमज़ान में 2 रोज़े 3 रोज़े छूट गए बीमारी की वजह से, ठीक है, लेकिन दूसरे दिनों में उसकी क़ज़ा देनी लाजिम है। वो रोज़े रखने जो है आप पर लाजिम है, उनका कोई बदल जो है वो फिदिया नहीं हो सकता। अलबत्ता ये नोट कर लीजिए, ये हिकमत नबवी है कि यहाँ अगरचे वो फिदिये का हुक्म जो है गोया के बज़ाहिर कुरान मजीद के अल्फाज से महसूस होता है कि मुतलकन मनसूख हो गया, लेकिन हुजूर ने उसको ख़ास हालतों में बाकी रखा है। कोई शख्स इतना बूढ़ा हो चुका है या खातून इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि दिन भर का फाका जो है उसमें अंदेशा है कि कहीं हलाक ना हो जाए। कोई मरीज़ है, मर्द है या औरत है, वो डायबिटीज़ की मरीज़ा है, उसको वो शुगर का मर्ज़ है और वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, शुगर लेवल बहुत नीचे हो जाए तो मौत वाक़ई हो सकती है। कोई ऐसा मरीज़ है जिसको मर्ज़ से शिफा पाने की अब कोई उम्मीद है ही नहीं कि मैं मर्ज़ से शिफा पा जाऊँगा या पा जाऊँगी तो उसके बाद मैं रोज़ा मुकम्मल कर दूँगी, नहीं। ऐसे लोगों के लिए हुजूर ने उस रियायत को बरकरार रखा है कि ऐसे लोग अगर एक मिस्कीन को खाना खिला दें तो ये फिदिया बन जाएगा। लेकिन जो भी शख्स सेहतमंद हो और सेहत की तवक्को रखता हो और जो शख्स भी ताकत रखता हो रोज़े का क़ज़ा कर देने का, उसके लिए लाजिम है कि रोज़ों की क़ज़ा करें। वले तुकमिलुल इद्दता वले तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और ताकि तुम अल्लाह की किब्रियाई का ऐलान करो उस चीज़ पर कि जो उसने तुम्हें हिदायत अता फरमाई है। अब इसका एक तो जाहिर है कि जब रोज़े ख़त्म होते हैं ईद उल फितर में तकबीर, इजाफी तकबीरात के साथ 2 रकतें हैं जो हम अदा करते हैं। अहनाफ के नज़दीक 6 इजाफी तकबीरात हैं और अहले हदीस के नज़दीक 12 हैं, लेकिन तकबीरात हैं इजाफी। और ये कि जाते हुए और आते हुए ईद के लिए आप जा रहे हैं तो तकबीरात पढ़ते हुए जाइए, वापस आ रहे हैं तकबीर पढ़ते हुए आइए, और ये भी कि जाते हुए रास्ता कोई और, आते हुए रास्ता कोई और इख्तियार कीजिए ताकि पूरा शहर, पूरी बस्ती जो है तकबीर की आवाज़ से गूंज जाए। ये जाहिर है, बातिन इसका क्या होगा? अल्लाह की किब्रियाई का ऐलान करो अल्लाह की किब्रियाई को नाफिज करने की कोशिश करो। जब अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दे दी है, तुम्हें अपने दीन हक से नवाज दिया है, अब तुम्हारा फर्ज है कि उसको कायम करो, उसके लिए जिद्दोजहद करो, उसके लिए तन मन धन लगाओ, उसके लिए जान और माल से जिहाद करो। वले तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम वाक़तन शुक्र करो। इस पर भी गुफ्तगू बाद में होगी। ये हिकमत सौम के हवाले से है ये लफ्ज़। उसके बाद जो है एक आयत छोड़कर फिर अगली 5वीं आयत पढ़िए। यह है तकमीली अहकाम। इब्तदाई अहकाम आ गए, नंबर 2 में सौम रमज़ान का हुक्म आ गया। नंबर 3 पर हुआ क्या था कि जब रोज़ों का हुक्म दिया गया तो चूँकि मिसाल आपने रखी थी यहूद की कि यहूद जो है आशूरा का रोज़ा रखते हैं, तो हम भी क्यों ना रखें, मुसलमानों तुम भी रखो। इससे गुमान ये किया गया कि जो अहकाम यहूद की शरीयत में है रोज़े के, शायद वही हमारी शरीयत में भी है। और उनकी शरीयत में यह था कि रात को सो गए तो रोज़ा शुरू हो गया, और वो रोज़ा अब ना कोई सहरी है, ना रात में के दौरान कोई मियाँ और बीवी जो है वो हम बिस्तरी कर सकते हैं, बल्कि ये कि वो रोज़ा सुबह से लेकर फिर जब रात के बाद सुबह आएगी, सुबह से फिर दोपहर और शाम और गुरूब आफ्ताब पर जाकर रोज़ा ख़त्म होगा। गोया कि कमो बेश 20 घंटे का रोज़ा या 21 घंटे का रोज़ा, क्योंकि अगर गुरूब आफ्ताब के 3 घंटे बाद आदमी सो गया तो वहाँ से जो रोज़ा शुरू हुआ है तो गुरूब आफ्ताब पर अगले रोज़ जो है वो ख़त्म होगा, तो हो जाएगा 20-21 घंटे का रोज़ा। ये रोज़े का हुक्म लोगों ने समझा, इसकी सराहत कोई नहीं थी, लेकिन लोग जो है क्योंकि सराहत मनफी भी नहीं थी मुस्बत भी नहीं थी, लिहाजा वो रात के वक्त में जब जो दिन होते थे रोज़ों के, उनकी रातों में वो अपनी जो भी एक तबी ज़रूरत है जो हम बिस्तरी है मियाँ और बीवी की, शौहर और बीवी की, वो कर गुजरते थे जज्बात के अंदर, जो भी उस वक्त उनकी एहतियाज हुई। दिल में खटक रहती थी कि पता नहीं हमने ये सही काम किया नहीं किया, गलत किया, तो उससे ये कि जाहिर बात है कि फिर कुरान मजीद उसे करार दे रहा है अपने आप से ख़यानत करना। जब इंसान अपने ज़मीर के ख़िलाफ़ कोई बात कर रहा हो तो चाहे वो बात सही है लेकिन वो उसे गुनाह समझ के कर रहा है तो उसने तो गुनाह किया, वो अपने आप से तो ख़यानत कर रहा है। एक शख्स है वो बकरी का गोश्त खा रहा है लेकिन समझता ये कि ये सूअर का गोश्त है, तो उसने तो सूअर ही का खाया ना, उसने बकरी का तो नहीं खाया, लेकिन उसने समझा ये कि ये सूअर का गोश्त और खा रहा है। तो इस हवाले से एक दगदगा सा दिल में रहता था, परेशानी। तो अब जो ये 5वीं आयत है, तवील तरीन आयत है इस सिलसिले की, उसमें रोज़े के तकमीली अहकाम आ गए जो अबदी हैं, आज तक कायम हैं और क़यामत तक कायम रहेंगे। फरमाया उहिल्ल लकुम लैलतस सियाम रफस इला निसाइकुम, ऐ मुसलमानों रोज़े की रातों में तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है अपनी बीवियों से अपनी ख्वाहिश का पूरा करना। रफस इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, वो तुम्हारे लिए बमंज़िले लिबास हैं। जैसे लिबास के और इंसान के बदन के दरमियान कोई हिजाब नहीं होता, ऐसे ही शौहर और बीवी के दरमियान भी कोई हिजाब नहीं रहता। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, और वैसे भी एक मानी में कि जैसे लिबास आपको गर्मी की शिद्दत से बचाता है, वरना हो सकता है कि तेज़ धूप जो है जो अरब में होती थी वो तो आपकी खालों को जला दे, तो ये हिफाजत का एक ज़रिया भी है। इसी तरीके से शौहर के लिए बीवी अपनी इफ़्फ़त व इस्मत को बरकरार रखने के लिए एक ज़रिया है कि कहीं हराम में मुँह ना मारे, बीवी मौजूद है, हलाल ज़रिए से अपनी ख्वाहिश पूरी करे। और बीवी के लिए शौहर इसी तरीके से एक ढाल बन जाता है कि उसे खामखा इधर उधर देखने का कोई ख्याल भी कभी ना आए, उसकी जो भी नफसानी ख्वाहिश है उसकी शौहर पूरा कर रहा है। तो इस एतबार से भी हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। अलम अल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम, अल्लाह के इल्म में है कि तुम अपने आप से ख़यानत कर रहे थे। इसकी वजाहत मैं पहले कर चुका हूँ कि दिल में यह दगदगा था कि यह हराम काम और कर रहे हैं, ये गोया कि अपने आप से ख़यानत, अल्लाह से बगावत नहीं थी। क्यों कि अल्लाह ताला की तरफ से तो हुक्म तुम्हें मालूम था ही नहीं, अभी आया इसकी इजाज़त है या नहीं है, लेकिन अपने आप से तो ख़यानत कर रहे हो ना, तुम ये समझ रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए, ये गोया कि ममनू है और कर रहे थे। तो इसको कहा कि तुम अपने आप से ख़यानत कर रहे थे। अलम अल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम फताब अलैकुम, तो अल्लाह ने तुम पर अपनी रहमत और मग़फ़िरत के साथ तवज्जो फरमाई, यानी जो कुछ अब तक हो चुका है उसे अल्लाह ने माफ़ कर दिया, उसे साफ़ कर दिया, क्लीन स्लेट। अब तुम्हारा जो अमाल नामा है उसमें इस तरह का अगर कोई अमल दर्ज हो गया है तो वह अल्लाह ने साफ़ कर दिया है। वह आफ़ा अनकुम, और तुम्हें माफ़ भी कर दिया है। फलाना बाशरू हन्ना, तो अब तुम उनके साथ जो भी ताल्लुक़ जनो शो है उसको इख्तियार कर सकते हो। फलाना बाशरू हन्ना वबतगू मा कतबल्लाहु लकुम, और हासिल करो वो कुछ जो कुछ अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। ये ताल्लुक़ जनो शे से दो चीज़ें हैं कि जो मकसूद हैं। एक तो सब जानते हैं औलाद, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मेरी नस्ल का तसलसल बाकी रहे, लेकिन नंबर दो एक शय और है, कुरान मजीद में बयान किया गया भले तस्कुनू इलैहा, इसमें एक सुकून है, इसमें जो भी है, जो भी अमल है मुबाशरत का, इसमें एक आसाबी तौर पर सुकून की कैफियत इंसान को हासिल होती है। तो ये भी मतलूब मकसूद है। तो मा कतबल्लाहु लकुम, तुम्हारे लिए अल्लाह ने इसमें एक तो औलाद का मामला रख दिया है और एक तुम्हारे लिए सुकून का, ले तस्कुनू इलैहा, ताकि तुम उनकी तरफ तवज्जो करके सुकून हासिल करो। फलाना बाशरूहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वशरबू, अब सहरी का हुक्म आ गया। वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र, और खाते रहो और पीते रहो यहाँ तक के तुम्हारे लिए फज्र के वक्त के एतबार से सफ़ेद डोरी स्याह डोरी से बिल्कुल अलहदा हो जाए। असल में इसको बाद सहाबा ने तो समझा कि ये लुग़वी मानी उसके लिए लिए कि आप अपने तकिए में एक सफ़ेद धागा रख लिया और एक काला रख लिया, और देखते रहते थे जब ये सफ़ेद और काला अलहदा अलहदा नज़र आने लगे तो फिर रोज़े का रखने का वक्त शुरू हो चुका और अब खाना पीना बंद कर दिया जाए। फरमाया गया ये मुराद नहीं है। ये जब पाँव फटती है तो उसके अंदर एक सफ़ेद सी लकीर जो है उफ़क़ के ऊपर आती है, ये है मुराद कि वो जो सफ़ेद लकीर है वो ज़ाहिर हो जाए और वो रात के इख्तिताम का गोया कि एक ऐलान और इल्म बन जाए। तो वकुलू वशरबू, अब इसकी जो है बड़ी ताकीद की गई है। तसहरू फ़इन्न फ़िस्सुहूर बरकतुन, सहरी ज़रूर किया करो और ये दर हकीकत बरकत का ज़रिया है। ये भी आपने फरमाया हमारे और यहूद के रोज़े के माबैन जो फ़र्क है वो सहरी है। ये सहरी चूँकि रोज़ा जो है वो फजर से लेकर और गुरूब आफ्ताब तक है, तुलुए आफ्ताब से नहीं फजर से, जबकि वो सफेदा सहर जिसको हम कहते हैं नमूदार हो जाए। तुलुए आफ्ताब का भी 1.5 घंटे बाद होगा कहीं जाकर, लेकिन उस वक्त जो है रोज़ा शुरू गुरूब आफ्ताब पर ख़त्म। इस हवाले से इससे पहले खाना पीना, और इसमें भी फरमाया गया कि बाज़ लोग बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं, वो सही नहीं है। इसलिए कि फजर के लिए अजान जब देते थे तो उसमें बाज़ हजरात ज़रा जल्दी करते थे। हुज़ूर ने फरमाया कि नहीं देखो ये ज़रा जल्दी कर देते हैं, अगर तुम में से किसी के हाथ में प्याला है, अभी वो कुछ खा रहा है, अजान हो गई है, तो वो अपना प्याला पूरा कर ले, इसमें भी तशद्दुद की ज़रूरत नहीं। जैसे कि इससे पहले हम पढ़ चुके यस्सिरू वला तुअस्सिरू युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसर, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, सख्ती नहीं चाहता। तो इसी तरह फरमाया व कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र सुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल, फिर अब रोज़े को पूरा करो रात तक। इलल लैल में फिर बड़ी बहसें हुई हैं। इस लफ्ज़ की मुनासबत से अहले तशय्यो इसके कायल हैं कि जबकि खूब अंधेरा हो जाए, लेकिन अहले सुन्नत का इजमा है कि गुरूब आफ्ताब इससे मुराद है, इसलिए कि आगाज़ रात का गुरूब आफ्ताब के साथ है। और इसमें भी अहादीस के अंदर आया है कि ताजील करनी चाहिए। बाज़ लोग वही जो मैंने अर्ज़ किया कि तकवा के तहत जो है, जैसे कि सफ़र में भी रोज़े रखते हैं या 104 बुखार के दर्जे में भी वो रोज़ा क़ज़ा करने को तैयार नहीं होते, ऐसे ही वो ताख़ीर करते हैं अपने तकवे के हिसाब से, कहीं ऐसा ना हो को गलती ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, तो फिर उसके अंदर वो इफ़्तार में। तो आपने फरमाया कि कौम जो है उसी वक्त सही रहेगी जबकि वो इफ़्तार में उजलत से काम, यानी सहरी के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं। अगर अजान हो रही है उसके दौरान भी अगर कुछ खा पी रहे हो तो खा पी लो, मुकम्मल कर लो। इसी तरीके से इफ़्तार के अंदर जो है वो ताख़ीर करने की ज़रूरत नहीं, सूरज के गुरूब के साथ इफ़्तार कर लो। वला तुबाशिरूहुन्न व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, हाँ अपनी बीवियों से तुम मुबाशरत न करो, ताल्लुक़ ज़नो शो कायम न करो जबकि तुम मस्जिदों के अंदर मुतकिफ़ हो। ये एतिकाफ़ का जिक्र हो गया। रमज़ान के आखिरी अशरे में यह एहतिकाफ़ जो मसनून है कि 21वीं शब से शुरू हो जाएगा, यानी 20वें रोज़ा ख़त्म हुआ उसके साथ ये एहतिकाफ़ शुरू हो गया। और फिर एहतिकाफ़ मसनून जो है वो जब तक के चाँद नज़र ना आ जाए शव्वाल का, ईद का, तो उस वक्त तक ये एहतिकाफ़ जारी रहेगा। ये है मसनून एहतिकाफ़। इसकी क्या हिकमत है वो मैं बाद में अर्ज़ करूँगा। तो ये हिकमत जो है उसके हवाले से गुफ्तगू बाद में हो जाएगी, लेकिन यहाँ ये बता दिया गया कि ये जो रमज़ान की 20 रातों में इजाज़त दी गई है अपनी बीवियों के साथ हम बिस्तरी की, वो उस मोतकिफ़ के लिए नहीं है जो मस्जिद में मोतकिफ़ है। तो हाँ, उसकी अहलिया आ सकती है वहाँ मुलाकात के लिए, किसी मशवरा कोई करना है बहुत ज़रूरी है, आ जाए, मुलाकात हो सकती है, लेकिन यह कि मुबाशरत नहीं हो सकती, वो हराम है। फरमाया वला तुबाशरूहुन्ना वअंतुम आकिफून फिल मसाजिद तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हुदूद हैं, शरीयत इस्लामी की ये हुदूद हैं। फला तक़रबूहा, तो इनके करीब तक मत जाओ। कुरान मजीद में इस एतबार से दो अंदाज़े ताबीर हैं कि अल्लाह की हुदूद है, फला तातदूहा, ये अल्लाह की हुदूद है, इनसे तजावुज़ ना करो, इस हद को फलांग ना जाओ, इस हद से आगे ना गुजर जाओ। यहाँ है तक़रबूहा, अल्लाह ताला के हुदूद के करीब तक न जाओ। उसकी वजह एक हदीस में बयान कर दी गई है कि जैसे हर बादशाह की एक चरागाह होती है, वो सिर्फ शाही जो भी हैं जानवर हैं उनके, या घोड़े हैं या कोई और हैं, उनके चरने के लिए है। वहाँ पे कोई रियायत का कोई आदमी अपनी भेड़ बकरियाँ वगैरह नहीं ले जा सकता। वो हिमा कहलाता था कि ये शाह के लिए मखसूस है। लिकुल्ले मलकिन हिमन व हिमल्लाह महारिमहु, अल्लाह भी बादशाह है आज़ा कायनात का, अर्ज़ो समा का। उसने भी जिन चीज़ों को हराम कर दिया है वो हिमा है, उसमें दाखिल नहीं होना तुम्हें। तो फरमाया कि जो चरवाहा अपनी भेड़ों को बिल्कुल उसकी आखिरी हद तक ले जाएगा, तो अंदेशा है कि कोई भेड़ कोई बकरी छलांग लगाए और उस चरागाह में दाखिल हो जाए। इसलिए कीप एट ए डिस्टेंस, एक फासले पर रहो। एहतियात का तकाजा ये है कि उस आखिरी हद के करीब न जाओ। फला तक़रबूहा, उसके करीब न जाओ। इन हुदूद की तो सख्ती के साथ पाबंदी करनी है। उनके लिए यह है कि उनको न सिर्फ ये कि उनसे तजावुज़ नहीं करना, बल्कि उनसे ज़रा कुछ फासले ही पर अपने आप को रखना है। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नास, इसी तरीके से अल्लाह ताला वाज़े करता है अपनी आयात को लोगों के लिए। वलअल्लहुम यत्तक़ून, और ताकि वो फिर तक़वा करें, बचें। जब अहकाम मालूम हो गए अब बचना आसान है, जब अहकाम मालूम नहीं तो अंदेशा है कि कहीं किसी हराम के अंदर जो है वो मुलविस हो जाए। जैसे कि एक हदीस में आता है कि अल हलाल बय्यिनुन वल हराम बय्यिनुन व बैनहुमा मुश्तबहात, हलाल क्या है ये भी वाज़े है, हराम क्या है ये भी वाज़े। अलबत्ता इन दोनों के माबैन कुछ चीज़ें होती हैं मुतशाबिहात, पता नहीं हलाल है कि हराम है। तो तुम बचो, उन चीज़ों से भी बचो, इसलिए कि उसके अंदर हराम होने का अंदेशा है ना, लिहाजा उनसे भी बचो। जो सरीहन हलाल है उसी पर इत्तिफा करो। जिनके बारे में तयन नहीं हो पा रहा है कि वो हलाल हैं, अलबत्ता ये भी साबित नहीं हो रहा है कि वो हराम हैं, तो उनसे बच, ये तकवा का तकाजा। अगरचे कानूनी एतबार से ये कहा जाएगा कि वो मुबाह है, जिस शय की हुर्मत का सबूत हमें किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल से न मिले वो मुबाह है, लेकिन यह है कि तकवा का तकाजा ये है। कानून का तकाजा ये कि मुबाह को आप इख्तियार करेंगे तो आप पर गिरफ्त नहीं होगी, इसलिए कि उसकी हुर्मत साबित नहीं है। लेकिन तकवा का तकाजा ये है कि आप सिर्फ उस शय पर इक्तिफा करें कि जिसके हलाल होने के लिए सबूत और दलील मौजूद है। तो ये है कि तिलका हुदूदुल्लाह फला तक़रबूहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम लिन्नासि आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यत्तक़ून। ये अहकाम है तकमीली रोज़े के, जिसके ज़िमन में मैंने कुछ अहादीस नबविया के हवाले से भी उनकी मज़ीद वजाहत कर दी। अब आइए तीसरी बात, रोज़े का असल हासिल क्या है। अब पहली आयत पर हमें तवज्जो देनी होगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, अहले ईमान तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया, लिख दिया गया, तय कर दिया गया। अगरचे जैसा कि मैंने अर्ज़ किया ये इब्तदाई हुक्म है और उसमें वजूब अल तख़यीर वो बाद में आ चुका दूसरी आयत में। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि ये फ़र्ज़ किया गया था उन पर जो तुमसे पहले थे, यानी यहूद और नसारा, उन पर भी ये रोज़ा जो है ये फ़र्ज़ था। अलबत्ता अहकाम मुख्तलिफ हो गए। जैसे जुमे का दिन और जुमे को छोड़कर यहूदियों ने सब्त का दिन इख्तियार किया, ईसाइयों ने जो है वो संडे को इख्तियार कर लिया, लेकिन अहकाम में फ़र्क है। वहाँ पूरे सब्त के दिन, हफ्ते के दिन कारोबार दुनियावी मुतलकन हराम, लेकिन हमारे यहाँ शरीयत के अंदर आसानी पैदा की गई कि सिर्फ जुमे की अजान से लेकर नमाज अदा हो जाने तक वो हराम है, लेकिन बाकी ये है कि उससे पहले भी अगर करो और बाद में जब फ़ैज़ा क़ुदियत सलात फंतशरू फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़्लिल्लाह, जब नमाज अदा हो चुके तो जाओ मुंतशिर हो सकते हो ज़मीन में और अल्लाह ताला के फजल को तलाश कर सकते हो। तो इसी तरीके से अगरचे हुक्म रोज़ा जो है वो तो साबिक़ा उम्मतों में भी था, लेकिन ये उसके अहकाम जो हैं उनके अंदर तग़य्युर व तबद्दुल है। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। अब ये है हिकमत सौम की पहली आयत। तकवा किसे कहते हैं? बचना, किस चीज़ से बचना? अल्लाह ने जो चीज़ें हराम की उनसे बचना, अल्लाह के अहकाम को तोड़ने से बचना। देखिए ये लफ्ज़ जो है इसका मादा है वाक़ाफ और या वक़ा। वक़ा यकी के मानी है किसी को बचाना। हम दुआ मांगते वक़ना अज़ाबन्नार, ए अल्लाह हमें आग के अजाब से बचा ले। लेकिन इत्तेक़ा, इव्तेक़ा बनता है बाब इफ्तिआल, वाव ते में शामिल हो गई तो इत्तेक़ा, और उसी से तकवा है। तकवा के मानी क्या है? बचना, खुद बचना। वक़ा यकी दूसरे को बचाना, बचना अल्लाह के अहकाम को तोड़ने से, अल्लाह की हराम करदा चीज़ों में मुलविस होने से, अल्लाह के गज़ब से, गुस्से से, अल्लाह की नाराज़गी से और आखिरत में अल्लाह के अजाब से। ये बचने की रविश है। पूरी ज़िंदगी में भी इसको जारी रखो। ये तकवा ज़िंदगी में क्या होगा? अल्लाह के अहकाम को तोड़ने से बचना, अल्लाह की हराम करदा चीज़ों में मुलविस हो जाना, उनका इस्तेमाल करना, खाने पीने से मुताल्लिक़ हो या वो शहवत से मुताल्लिक़ हो या किसी और चीज़ से मुताल्लिक़ हो, उससे बचना। और ये बचना जो है आखिरत में नतीजा खेज होगा, जहन्नुम से बचाव हो जाएगा, आग के अजाब से निजात मिल जाएगी। अच्छा, रोज़े का इससे ताल्लुक़ क्या है ये समझ लीजिए। देखिए हमारे गुनाहों का सबसे बड़ा सबब हमारे नफसानी तकाजे हैं। हम एक हैवान भी हैं और हैवान से बढ़कर भी कुछ है, वो मैं बाद में अर्ज करूंगा। लेकिन हैवान तो है, जैसे हर हैवान को कुछ खुराक की ज़रूरत है, हमें भी ज़रूरत है। हर हैवान को बकाए नस्ल का मामला जिनसी है, वो हमारा भी है। हर हैवान को कोई ना कोई सर छुपाने की जगह चाहिए, कोई घोंसला हो, कोई खो हो, कोई बिल हो, कुछ भी हो, कुछ तो चाहिए आखिर। इसी तरीके से हमारे सारे तकाजे हैं। हैवानात को भी आराम चाहिए, हमें भी आराम चाहिए। ये हैवानी तकाजे जो है, जिनको हम कहेंगे एनिमल इंस्टिंक्ट्स, हमारे वजूद के अंदर हैं ये, और इनका तकाजा हमारे अंदर से उभरता है। इसी को इड एंड लिबिडो कहा है फ्राइड ने। जदीद नफ्सियात का बाबा आदम जो है वो फ्राइड है, उसने इसे इड और लिब से ताबीर किया है, उससे ऊपर सेल्फ को लाया है, और उसके बाद जो है वो सुपर ईगो है। तो ये तीन दर्जे उसने मुतय्यन किए हैं, और मैं उसकी दिक्कत नज़र, एक्यूटी ऑफ ऑब्जर्वेशन का बहुत कायल हूँ। अगरचे नज़रियात का जो नतीजा उसने निकाला है वो गलत है, लेकिन एक्विटी ऑफ ऑब्जर्वेशन का कायल हूँ कि उसने इंसानी शख्सियत के तीन लेवल्स को आइडेंटिफाई किया है। यही तीन लेवल्स हमारे यहाँ हैं, नफ्स, क़ल्ब, रूह, ये तीन लेवल्स हैं। उसने कहा इड एंड लिबिडो, ये लोएस्ट है, फिर ईगो सेल्फ, फिर सुपर ईगो। तीन लेवल वो भी मानता, अगरचे उनकी ताबीर उसने गलत की है, लेकिन जहाँ तक इड और लिबिडो की ताबीर है वो सही है, वो हैवानी तकाज़े। अच्छा, इन हैवानी तकाज़ों के बारे में ये बात बिल्कुल वादे रहनी चाहिए कि ये अंधे बहरे हैं। इन्हें सिर्फ अपनी ग्रेटिफिकेशन, अपने तस्कीन से जो है सारी बहस है। इससे कोई गरज नहीं कि हलाल जरिए से हो, हराम जरिए से हो। पेट खाने को मांगता है भूख के अंदर, अब आदमी जो है हराम के अंदर भी बीमार बैठता है। यहाँ तक कि खुद शरीयत इजाज़त देती है कि अगर जान पर बन जाए, आदमी जो है वो फाके से मर रहा हो तो वो कोई हराम चीज़ खाकर भी अपनी जान बचा सकता है, लेकिन आम हालात में नहीं। लेकिन हो सकता है हमारा चटखारा जो है वो हराम की तरफ हमें ले जाए। किसी को वाक़तन, अल्लाह ना करे, कि सूअर के गोश्त का चस्का लग जाए, वो उसके बगैर बचता ही नहीं, खाता है। शराब की आदत हो गई, पीता है, ये नहीं। तो हमारा पेट मांगता है और उसे इससे गरज नहीं कि हलाल से खाया है या हराम से खाया है। हमारी शहवत अपनी तस्कीन चाहती है, उसे इससे गरज नहीं कि हलाल से या हराम से, जायज़ से या नाजायज़ से। इसी तरीके से हमारे तमाम तकाजे जो हैवानी हैं, एक तो ये कि बहुत ज़ोरदार हैं, और चूँकि वो अंधे बहरे हैं लिहाजा जो कुरान में कहा गया इन्ना नफ्सल अमारतुम बिस्सू, ये नफ्स तो बदी का हुक्म देता ही है। ये गोया कि उसके अंदर रुझान जो है इनहेरेंट है कि वो बदी की तरफ इंसान को तरगीब दिलाता है, चाहे वो अपनी ज़रूरियात से मुताल्लिक़ हो, चाहे चटखारों से मुताल्लिक़ हो, चाहे जो भी लज्जत उसे दरकार है उससे मुताल्लिक़ हो, चाहे वो जिनसी लज्जत है और चाहे वो ताम की, यानी जिसे हम कहते हैं कि इंसान जो है वो अपने पेट और फ़र्ज का ग़ुलाम बनकर रह जाए, इसलिए कि जो तकादा भी आया है उसको वो पूरा कर रहा है। ये जो कैफियत इंसान की है, इसके लिए एक मश्क जो है वो रोज़ा फराहम करता है। रोज़े के आपने 12, 13, 14 घंटे का भी रोज़ा होता है, बाद जगहों पर 16, 17 घंटे का रोज़ा होता है। इस अरसे में आप अपने नफ्स को हलाल चीज़ों से भी रोके रखते हैं। इस मुँह जोर घोड़े को जो है आप उसकी लगाम कस कर रखते हैं कि हलाल भी नहीं खाने दे रहे। भूख लगी हुई या खाना बेहतरीन मौजूद है, नहीं खा सकते, अल्लाह का हुक्म नहीं है, अल्लाह की इजाज़त नहीं। शदीद प्यास है, बेहतरीन मशरूबात फ्रिज में रखी हुई है, नहीं खा सकते, नहीं पी सकते, जायज़ नहीं है, हालांकि हलाल है, आराम नहीं है। बीवी मौजूद है, या जैसे कि लौंडियों का मामला होता था, लौंडी मौजूद है, लेकिन नहीं, आप अपनी शहावत जो है वो उससे पूरी नहीं कर सकते। ये पाबंदियां नफ्स के ऊपर लगाना, ये एक मश्क है, ये एक रियाजत है। इस रियाजत का हासिल ये होना चाहिए कि इंसान बकिया 11 महीनों में अपने आप को हराम से तो बचाए ना। यहां वो हलाल से रुका हुआ है अल्लाह के हुक्म से, कि हलाल चीज भी नहीं खा रहा, दिन भर नहीं पी रहा, दिन भर नहीं अपनी कोई शहवत पूरी कर रहा, दिन भर हलाल जराए से भी, तो उससे उसके अंदर ये एक, इसको हम कहेंगे सेल्फ कंट्रोल पैदा हो जाए, अपने नफ्स को काबू में कर ले। ये गोया कि इसका सबसे पहला, इस रोज़े की रियाजत, रोज़े की मश्क के हवाले से ये उसकी हिकमत हुई कि इससे के ज़रिए से इंसान में सेल्फ कंट्रोल पैदा हो रहा है, ज़ब्ते नफ्स। यहाँ पे थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूँ, रहबानियत के अंदर आपको मालूम है कि सेल्फ एनिहिलेशन, अंग्रेज़ी अल्फाज जो हैं वो ज़्यादा बाज़ लोगों के लिए वाज़े होंगे, नफ्स कुशी, नफ्स को कुचल देना, ख़त्म कर देना, मार देना, ये रहबानियत में होता है, इस्लाम में नहीं है। इस्लाम का निज़ाम बड़ा मुतवाज़िन है। इन्ना ले नफ्स का अलैका हक़्क़न व इन्ना ले ज़ौज का अलैका हक़्क़न व इन्ना ले ज़ौर का अलैका हक़्क़न। हुज़ूर ने फरमाया, देखो तुम्हारे नफ्स का भी तुम पर हक़ है, इसे मुनासिब हद तक आराम देना भी तुम्हारे ज़िम्मे है, इसे ग़िज़ा बहम पहुँचाना भी तुम्हारे ज़िम्मे है। फ़र्क सिर्फ क्या है, हलाल से हो, हराम से ना हो। इसकी शहवत को पूरा करना भी तुम्हारे ज़िम्मे है, फ़र्क सिर्फ क्या है, जायज़ रास्ते से हो, हराम से ना हो। इसका नाम ज़ब्ते नफ्स है, सेल्फ एनिहिलेशन, नफ्स को कुचल देना। ये जो तपस्याएँ जो हैं हिंदू साधु करते रहे हैं, और जो सबसे ज़्यादा मामला जो है वो जो राहिब होते थे हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के पैरोकारों में, उन्होंने तारीख़ के अंदर जो मिसालें दी हैं उसका जो है अंदाज़ा करना मुश्किल हो जाता है कि किस दर्जे वो लोग अपने नफ्स को कुचल देते थे, जिसका कुरान मजीद में सूरह हदीद में ज़िक्र भी है। अक्सर लोग तो पाबंदी नहीं कर सकते थे, अपने ऊपर पाबंदियां लगाने के बाद गलत रास्तों पर भी चल पड़ते थे, लेकिन जो लोग उन पाबंदियों को निभाते थे वो किस इंतहा तक जाते थे। कभी आप जो है हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियन मोनेस्टिसिज्म पर जो तारीख़ की किताबें लिखी गई उनको पढ़ें तो अंदाज़ा होगा। मौलाना मौदूदी ने तफहीमुल कुरान में उसका कुछ हवाले दिए हैं, और वाक़या यह कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं इंसान पर कि इस दर्जे में उन्होंने अपने नफ्स को कुचला था। हमारे सूफिया के यहाँ भी बाद ऐसी रिवायात सही हैं या गलत है बयान की जाती हैं, लेकिन इस्लाम का असल मामला क्या है, तवाज़ुन, एतदाल। तुम्हारे नफ्स का भी तुम पर हक़ है, इन्ना लिनफ्स का अलैका हक़्क़न। तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक़ है, व इन्ना लिज़ौज का अलैका हक़्क़न। और तुम्हारा जो भी कोई मुलाकाती आए, कोई दोस्त है, उसका भी ज़ौर का अलैका हक़्क़न, ज़ियारत करने के लिए कोई आया उसका भी हक़ है, उनके हुकूक़ अदा करो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा सहाबा किराम में इस एतबार से बहुत मुमय्यज़ थे कि उन पर इबादत जो है, इबादत गुजारी का इतना गलबा हो गया था, हर रोज रोजा रखते थे और रात को पूरी रात खड़े रहते थे। हुजूर को इतला दी गई, हुजूर ने तलब किया फौरन। आपने फरमाया, या अब्दुल्लाह अलम नुखबिर, क्या हमें यह खबर नहीं दी गई, अन्नका तसूमुद्दहर व तकूमुल लैल, कि तू हमेशा रात को खड़ा रहता है नमाज में और हर रोज रोजा रखता है। अब जाहिर बात है हुजूर के हुजूर में झूठ कैसे बोलते, वैसे भी झूठ बोलने का सवाल नहीं साहब के लिए। तो अर्ज किया भला या रसूलल्लाह ऐसी तो सही है। फरमाया ला तफल, हरगिज़ ऐसा मत करो। फ़इन लिनफ़्सिका अलैका हक़्क़न वइन लिज़ौजिका अलैका हक़्क़न वइन लिज़ौरिका अलैका हक़्क़न, तुम्हारे नफ्स का भी तुम पर हक़ है, रोज़ा रखो भी और इफ्तार भी करो। बेहतरीन रोज़ा जो है वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का था, एक दिन रोज़ा रखते थे एक दिन इफ्तार करते थे। लेकिन यह है कि आप हफ्ते में 2 दिन रोज़े हुजूर के हैं, सोमवार को और जुमेरात को, महीने में 3 रोज़े ये हैं। इसमें गोया कि सुन्नत पर अमल भी हो जाएगा। लेकिन यह कि हमेशा रोज़ा रखना, बल्कि यहाँ तक कहा गया माँ सामा मन सामत दहर, जो हमेशा रोज़ा रखता है उसने कोई रोज़ा रखा ही नहीं। क्या मतलब? ये तो उसने अपनी हैबिट्स बदल ली है, हैबिट्स हो गई हैं ये कि सारा दिन भर नहीं खाना, सुबह खाना शाम को खाना, बस। ये तो उसने अपनी हैबिट बदल ली है, रोज़ा हैबिट बन गया उसका। माँ सामा मन सामत दहर, जिसने हमेशा रोज़ा रखा उसने कोई रोज़ा रखा ही नहीं। इसलिए कि रोज़ा तो दर हकीकत उस शख्स पर शाख गुजरता है जिसको आदत है दिन में खाना खाने की, उसको दिन के अंदर 3 खाने खाने की आदत है, तभी तो वो शाख गुजरेगा। अगर वो आदत ही आपने बदल ली है तो जाहिर बात है कि फिर रोज़े की जो बरकत है वो तो जाहिर नहीं होगी। तो बहरहाल इस एतवार से गौर कीजिए कि ये पहला हुक्म जो है रोज़े का, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, अपने नफ्स पर कंट्रोल पैदा हो जाए। इसको यूँ समझिए कि ये एक बड़ा मुँह जोर घोड़ा है, हमारा जो नफ्स है, हमारा जो जिस्म है, हैवानी निज़ाम, इस पर हमारी खुदी या हमारी अना या हमारी ईगो या हमारा सेल्फ, ये इस पर हुक्मरान है, इसका घोड़े का सवार है। अब अगर घोड़ा मुँह जोर है और सवार के काबू में नहीं है तो क्या नतीजा निकलेगा? अब वो घोड़े के इख्तियार में है, सवार साहब की जान जो है वो जाकर पटक दे, कहीं किसी खाई में गिराए, किसी और जगह गिराए, वो तो गोया कि उसके रहमो करम पर है। हाँ, अगर सवार तकड़ा है और सवार ने जो है घोड़े को काबू में किया हुआ है, उसकी रानों में भी जान है, दबाया हुआ है घोड़े को अपनी रानों के दरमियान, तो जाहिर बात है कि अब ये घोड़ा जो है बहुत बड़ी एसेट है उसके लिए। अब घोड़ा उधर जाएगा जिधर सवार ले जाना चाहेगा, सवार अपने मकसद अपनी मंजिल तक पहुंचेगा घोड़े के ज़रिए से। और अगर बरक्स है, जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूं, तो वो सवार जो है वो घोड़े के रहमो करम पर है। यही मामला है, हमारी खुदी या हमारी अना या हमारा ईगो, ये दर हकीकत ये राकिब है और हमारा वजूद हैवानी ये मरकब है, ये घोड़ा है। अगर हम काबू याफ्ता हों अपने इस घोड़े के ऊपर तो यही जिस्म हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट है। हाथों से नेकी कमाएंगे, पाँव से नेकी कमाएंगे, आँखों से नेकी कमाएंगे, कानों से नेकी कमाएंगे, ये सारी नेकियां कमाने का जरिया बन जाएगा। तिलावत कुरान सुन रहे हैं तो कानों की नेकी हो रही है, कुरान देखकर पढ़ रहे हैं तो आँखों की नेकी हो रही है। ये सारे हमारे आसाब, हमारे तमाम आज़ा और जवारे नेकी का जरिया है। लेकिन अगर कहीं ये हमारा नफ्स अम्मारा, इड और लिबिडो हम पर काबू पा ले तो फिर हम उसके रहमो करम पर हैं, फिर वो जहाँ में जिस खाई में चाहेगा गिरा देगा। तो इस एतबार से रोज़ा मुजर्रद, अभी रोज़े की बात हो रही है, वो रोज़ा ख़ास तौर पर कि जिसका हुक्म पहले दिया गया था अय्याम मादूदात, उसके बारे में उसकी हिकमत, मुजर्रद रोज़े की हिकमत क्या है? ज़ब्ते नफ्स। इसी ज़ब्ते नफ्स का दूसरा नाम तकवा है। आप अपने नफ्स पर काबू याफ्ता हैं और फिर अल्लाह के सामने झुक रहे हैं, ये हुई ना असल बात। आप अल्लाह के सामने तो झुक रहे हैं, ऐ अल्लाह मैं तेरी ही बंदगी करता हूँ और करूँगा, नफ्स पर काबू है ही नहीं, तो आपका ये कहना मुहमल हो जाएगा। नफ्स का तकाजा उभरेगा और आप उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे। तो गोया कि जो आपने कहा था इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इसकी पैरवी करना, इसको पूरा करना, इसका तकाजा बजा लाना आसान काम नहीं है। चुभी गोयम मुसलमानम बिलर्जम के दानम मुश्किलात ला इलाहा। जब मैं कहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं मुझ पर कब कब तारी होती, इसलिए कि मुझे मालूम है कि ला इलाह कहने का मकसद क्या है और मतलब क्या है, उसके तकाजे क्या हैं। तो रोज़ा मुजर्रद रोज़े की गर्ज़ व गायत तकवा या ज़ब्ते नफ्स, यानी सेल्फ कंट्रोल, और उस सेल्फ कंट्रोल के साथ अपने पूरे वजूद को अल्लाह के सामने झुका देना, ये इबादत है। अब आइए, इस इबादत के लिए, रोज़े के लिए रमज़ान का महीना क्यों मुंतखब किया गया? बिल आखिर, पहले तो वो हर महीने के 3 दिन थे, बिल आखिर मुस्तकिल ता क़याम क़यामत और रमज़ान का महीना है। उसकी इल्लत क्या है? जाहिर बात है कि सारे 12 महीने अल्लाह ही के हैं, हफ्ते के सारे दिन अल्लाह ही के हैं। दिनों में सैयदुल अय्याम जुमे का दिन है, महीनों में सैयदुल अशहुर, ये जितने महीने हैं उनमें सरदार जो है महीनों का वो रमज़ान मुबारक है। क्यों है? अब आप पढ़िए तीसरी आयत, शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। और इसकी मजीद क्या है तशरीह कि रमज़ान ही में वो लैलतुल क़द्र है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। अब यहाँ दो चीज़ें अलग-अलग समझ लीजिए। हमें मालूम है कि कुरान हुजूर पर नाजिल हुआ 32 बरस में, नहीं 22 बरस में, 610 ईस्वी से लेकर। इस मौजू पर आज शाम को तकरीर होगी इंशाअल्लाह मुफस्सल, तारुफ़ कुरान के ज़िमन में, बाद नमाज ईशा कुरान एकेडमी की मस्जिद में, क्योंकि मालूम नहीं कि आज चांद हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, लिहाजा दौरे तर्जुमा कुरान कल से शुरू होगा। और आज जो है तारुफ़ कुरान और सूरह फातिहा का कुछ मफहूम मैं बयान करूँगा, ताकि ये कि रमज़ान मुबारक के लिए तमहीद हो जाए। फिर अगर चांद हो गया तो छोटी छोटी सूरतों के साथ हम तरावी मुकम्मल कर लेंगे। तर्जुमा कुरान के साथ तरावी कल से शुरू होगी। बहरहाल इस ज़िमन में रमज़ान का चुनाव जो हुआ है तो ये तरजीह बिला मुरज्जह नहीं है, ऐसे ही नहीं है कि ख़ुयूं ही उसको तरजीह दे दी गई। इसकी हिकमत है, गायत है, इल्लत है, इसका सबब है। रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, इसी में वो लैलतुल क़द्र है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। अगरचे हम जानते हैं कि हुजूर पर कुरान नाजिल हुआ है 22 बरस में, 610 ईस्वी से 632 तक। इस मुअम्मे को कैसे हल करेंगे? उसका हल क्या है? रमज़ान मुबारक की एक शब मुबारक लैलतुल क़द्र में पूरा कुरान लौहे महफूज से दफ़अतन पूरा का पूरा समाए दुनिया, पहला आसमान जो है हमारा, उसके ऊपर नाजिल कर दिया गया। इसके लिए लफ्ज़ उनज़िला, अनज़ला युनज़िलो इंज़ालन के मानी है दफ़अतन किसी चीज़ को उतार देना, और नज़ला युनज़िलो तंज़ीलन के मानी है रफ्ता रफ्ता, दर्जा 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 उतार। एलाम, आलमा युलमु एलामन, किसी शय को खबरदार कर देना, बता देना, बस हमने बता दिया, तुम जानो तुम्हारा काम। तालीम यह है उसको दर्जा बदर्जा समझाना, उसके दिमाग में उतारना, देखना कि इतनी बात समझ गया तो अगली बात समझाना, ये समझ में आ गई तो अगली बात, तालीम इसको कहते हैं। तो इंजाल दफ़अतन उतार देना, तंजील रफ्ता रफ्ता तदरीजन थोड़ा थोड़ा करके उतारना। तो हुजूर पर तंजील हुई है, फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक, जिब्राइल ने इस कुरान को थोड़ा 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 करके, नज़ल ना हो तंजीला, रत्तल ना हो तरतीला, हमने थोड़ा थोड़ा करके उतारा है। लेकिन लैलतुल क़द्र में जो माह रमज़ान मुबारक की शब है, आखिरी अशरे की, उसमें पूरा कुरान उतार दिया गया था लौहे महफूज से समाए दुनिया तक। शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, ये कुरान क्या है, क्या बनाकर नाजिल किया गया, ये हाल है, ये लोगों के लिए, पूरी नौ इंसानी के लिए हिदायत है। और ये हिदायत बय्यनात की शक्ल में आई, वाज़े तालीमात जिनमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं, अस खुद रोशन। बय्यना उसे कहते हैं वो शय जो अस खुद रोशन हो, जिसको हम कहते हैं कि आफ्ताब आमद, दलील आफ्ताब, जब सूरज तुलू हो गया तो अपने वजूद पर वो खुद दलील है, उसे किसी और दलील से साबित करने की ज़रूरत नहीं है, अस खुद वाज़े। तो बय्यनात मिनल हुदा, जो कुरान की बुनियादी हिदायत है वो बय्यनात पर मुश्तमिल है, वाज़ेह चीज़ है, जो इंसान के लिए, उसकी फितरत के लिए जानी पहचानी चीज़ें हैं। ये कोई बाहर की चीज़ नहीं आ रही है, उसके कल्ब की गहराइयों के अंदर ये सब कुछ मौजूद है, और उसकी गवाही उसके कल्ब की गहराइयों से निकलती है। जहाँ देखना तकरीर की लज्जत के, जो उसने कहा मैंने ये जाना कि गोया यही मेरे दिल में है, इसने तो मेरे अपनी फितरत की तर्जुमानी की है। वल फ़ुरक़ान, बय्यनात मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, ये बय्यनात का इतलाक़ फ़ुरक़ान पर भी हो रहा है, हक़ व बातिल के अंदर फ़र्क कर देने वाली शय। बय्यन सूरत में ये हक़ है, ये बातिल है, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये गलत है, ये सही है। ये है कुरान मजीद की अज़मत का बयान। वैसे तो अज़मत कुरान कुरान मजीद के अंदर बहुत से मकामात पर आई है और बड़े ही पुरशिको अंदाज में भी आई है, लेकिन ये इस वक्त मौका नहीं है उसमें जाने का। यहाँ जो कुरान का तारुफ़ कराया गया, हुदल लिन्नास व बय्यनात मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, और ये रमज़ान में नाजिल किया गया, लिहाजा रमज़ान का महीना जो है इस इबादत के लिए ख़ास और मुख्तस कर लिया गया। फमन शहीद मिनकुम अश-शहर फलयसुम, तो जो कोई भी तुम में से इस महीने को पाए या इसमें मुकीम हो वो लाजमन रोज़ा रखे। मैं बयान कर चुका हूँ ये वजूब अलल ऐन है, इसके अंदर अब इख्तियार नहीं है, लेकिन यह कि अगर मन काना मिनकुम मरीज़न औला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। अब देखिए ये जो रमज़ान मुबारक को मुंतखब किया गया जो नुज़ूल कुरान का महीना है, तो इसमें एक दोहरा प्रोग्राम रख दिया गया है जो कुरान मजीद में तो वाज़े तौर पर नहीं कहा गया, इसलिए कि अगर कुरान में उस तौर से आ जाता तो फ़र्ज हो जाता, उसे ततव्वुअन रखा गया है, लिहाजा उसका जिक्र कुरान में नहीं मिलेगा आपको। मौजूद है कि जब इस महीने को चुना ही इसलिए गया है कि ये नुज़ूल कुरान का महीना है, लिहाजा उसके लिए जो हमने पढ़ा था वो खुतबा, वह वो उसको पलट लीजिए। जालल्लाहु सियामहु फरीज़तन व क़ियाम लैलही ततव्वुअन, अल्लाह ने इस महीने का रोज़ा रखना तो फ़र्ज करार दे दिया है और इसका क़ियामुल लैल रातों को खड़े रहना ये मर्ज़ी पर छोड़ दिया है, जो कर सके जो भी हिम्मत करे। तरगीब व तशवीक़ है। अब देखिए तरगीब व तशवीक़ के लिए दूसरी हदीस जो यहाँ पर है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है रज़ियल्लाहु अन्हु के उन्होंने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन सामा रमज़ाना ईमानम व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जिसने रमज़ान में रोज़े रखे ईमान के साथ यकीन के साथ और एहतिसाब अल्लाह से उसके अजर की उम्मीद में, गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, उसके पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। ये नोट कीजिए कि इससे मुराद गुनाह कबीरा नहीं है, गुनाह सगीरा है। गुनाह कबीरा के लिए तौबा शर्त है, गुनाह सगीरा जो है वो इन चीज़ों से धुल जाते हैं। लेकिन अब देखिए वमन कामा रमज़ान ईमान व इहतिसाबन, और जो कोई खड़ा रहा रमज़ान में यानी क़यामुल लैल ईमान और एहतिसाब के साथ, गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। अब तीसरी बात, वमन कामा लैलतुल क़द्र ईमान व इहतिसाबन, और जो खड़ा रहा क़ियामुल लैल जिसने किया है लैलतुल क़द्र में ईमान और एहतिसाब के साथ, गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही मुत्तफ़क़ुन अलैह। ये हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों की है। अब यहाँ जो बात मैं चाहता हूँ कि आप पर वाज़े हो जाए, इस हदीस में दोनों चीज़ों को पैरेलल लाया गया, मन क़ाम रमज़ाना मन साम रमज़ाना, पैरेलल बिल्कुल मुतवाज़ी हम वज़न एतबार से, मन साम रमज़ाना ईमानम व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, मन क़ाम रमज़ाना ईमानम व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। अब सवाल पैदा होता है क़ियामुल लैल से मुराद क्या है। यहाँ पे मैं ज़रा तरावीह की का जो पस मंज़र है वो बयान कर देना चाहता हूँ। देखिए जैसा कि हमने खुतबे में भी देख लिया, अल्लाह ने क़ियामुल लैल जो है उसे फ़र्ज़ नहीं ठहराया, ततव्वुअन कुरान मजीद में भी उसका कोई जिक्र नहीं, अहादीस में उसकी तशवीक़ और तरगीब पूरी मौजूद है। एक और हदीस भी हम बाद में पढ़ेंगे इस पर। इसका पस मंज़र क्या था कि इसको छोड़ दिया गया। अब जाहिर बात है मुसलमानों में कमज़ोर भी हैं, मुसलमानों में वो मजदूरी करने वाले भी हैं, रोज़ा तो फ़र्ज है उन पर, चाहे मई का महीना है और गंदम काटनी है, रोज़ा तो फिर भी रखना होगा, ये सब कुछ है। लेकिन यह कि रात को फिर खड़े रहना उनके लिए, जागना मुमकिन नहीं, लिहाजा उनके ऊपर ये चीज़ फ़र्ज नहीं। हुजूर ने तरावी की नमाज या क़ियामुल लैल ना उसे फ़र्ज करार दिया, ना उसके बाजमात कोई एहतमाम किया मुस्तकिल। सिर्फ 3 रातें आपने जमात करवाई है, उसमें 8-8 रकतें आपने पढ़ी हैं कि जो आपका मामूल था तहज्जुद का, वही पढ़ी और तहज्जुद के वक्त ही जमात कराइए। यह है वो हदीस। इसके अलावा किसी नमाज तरावी जो है जो हम पढ़ते हैं 20 रकतें इशा के साथ मुतसिल, इसका कोई जिक्र न दौर नबवी में है न दौर सिद्दीक़ अकबर में है। ये दौर हज़रत उमर की खिलाफत में हुआ है और हम नहीं कह सकते कितने साल के बाद हुआ है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का दौर जो है वो तो 10 बरस है, हो सकता है 5 बरस के बाद हुआ हो, 6 बरस के बाद हुआ हो, 12 हुआ है उनके अहद में। हज़रत उमर एक मरतबा मस्जिद में दाखिल हुए मस्जिद नबवी में, तो देखा कि कुछ लोग 8, 10, 12 जो है वो एक जो है हाफिज़ के पीछे खड़े हुए और कुरान सुन रहे, कुछ दूसरे कोने में खड़े हैं, कुछ कहीं और खड़े हैं, मुख्तलिफ जमातें हो रही हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन सबको एक इमाम के पीछे जमा कर दिया जाए, और इसके लिए लोगों की सहूलत के लिए ईशा के साथ मुत्तसिल रख दिया जाए। इसलिए कि तहज्जुद के वक्त उठना जो है वो तो हर कसो नाकस का काम नहीं है, कि ईशा के बाद अगर थोड़ा सा इजाफी वक्त हो सिर्फ, तो ये हर शख्स कर लेगा, मजदूर भी कर लेगा। लिहाजा आपने ये निज़ाम तजवीज़ फरमाया कि ईशा के मुत्तसिलन बाद 20 रकात नमाज पढ़ी जाए और एक इमाम के पीछे पढ़ी जाए। ये गोया कि इज्तिहाद है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इसको आपने खुद बिदअत भी करार दिया है, लेकिन बिदअत हसना। बिदअत किस एतबार से? लुग़वी एतबार से, नई बात, इसलिए कि हुजूर के ज़माने में नहीं थी, तो ये इस तरीके से एक नई बात है। लेकिन ये बात चूँकि बहुत अच्छी है, बहुत उम्दा है। आप जब ये निज़ाम चल पड़ा तो एक दिन मस्जिद में आए, देखा कि बड़ी भरी मस्जिद है, सहाबा खड़े हैं और एक इमाम के पीछे कुरान सुन रहे हैं। आपने फरमाया नेमल बिदअतु हाज़िही, ये जो हमने नई बात शुरू की है ये बहुत अच्छी है, बहुत उम्दा है। अब यहाँ से फ़र्क वाक़ हो गया है। एक तो अहले तशय्यो जो है वो तो वैसे ही हज़रत उमर से बहुत दुश्मनी रखते हैं, इनाद रखते हैं, तो हज़रत उमर के इज्तिहादात से उन्हें नफरत है, उन्हें दूरी है, चाहे वो कोई सा भी हज़रत उमर का इज्तिहाद हो। हमारे यहाँ अहले हदीस हज़रात भी दर हकीकत हज़रत उमर या किसी और खलीफा राशिद के फ़ेल को वो समझते हैं कि ये एग्जेक्टिव ऑर्डर्स हैं, ये हमेशा के लिए नहीं है। हज़रत उमर ने अपने दौर में एक निज़ाम कायम किया, उनके दौर के लिए ठीक था, ये हमेशा के लिए नहीं। हमेशा के लिए वो 8 ही रकअतों के कायल हैं, वो तहज्जुद वाले। लेकिन उसमें बहरहाल उन्होंने भी खुद ये इजाफा किया है कि वो 8 रकअतें वो ईशा के साथ मुत्तसिल पढ़ते हैं, तहज्जुद के वक्त तो नहीं पढ़ते। और हुजूर ने तो सिर्फ 3 रोज़ जो है वो कराई थी जमात, वो लोग 30 दिन या 29 दिन पढ़ रहे हैं, तो इजाफा तो उन्होंने भी कर दिया, उस निज़ाम में तब्दीली तो हो गई। लेकिन अहले सुन्नत जो कहलाते हैं, हमारे जो 4 जो हैं, जो हमारे मसलक हैं, हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली, इनका इत्तिफाक है इस पर हज़रत उमर का, क्योंकि उनके सामने उसूल ये है कि हुजूर ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर लाजिम है कि मेरी सुन्नत को पकड़ो मजबूती के साथ और मेरे खुलफाए राशिदीन महदीयीन जो है उनकी सुन्नत को पकड़ो। इस उसूल से ये चारों फ़िक़्हें जो हैं हज़रत उमर के इज्तिहादात जो हैं उनको भी पाबंदी समझते हैं कि तमाम उम्र के लिए क़यामत तक के लिए उम्मत मुस्लिमा पर उनकी पैरवी लाज़िम है। लिहाजा इसमें इजमा है। और यहाँ तक कि ये सबसे आखिरी जो इसमें मसलक पैदा हुआ है ज़मानी एतबार से, सबसे पहले मसलक जो है हनफ़ी पैदा हुआ है, फिर मालिकी पैदा हुआ है, फिर शाफी पैदा हुआ है और फिर हम्बली आखिरी है। और इमाम अहमद इब्न हम्बल बहुत बड़े मुहद्दिस भी हैं। मुस्नद अहमद इब्न हम्बल जो है वो बहुत बड़ी किताब है, बहुत अहम किताब है, जामे किताब है। तो उनके यहाँ भी 20 रकअतें हैं। चुनाचे हरमैन शरीफैन में, सऊदी अरब में, मक्के और मदीना मुनव्वरा में जो नमाज तरावी होती है उसकी 20 रकअतें हैं। लेकिन अहले हदीस हज़रात जो हैं वो उस 8 के ऊपर इत्तिफा करते हैं। बहरहाल ये एक इख्तलाफ है जो मैंने उसका पस मंज़र बयान कर दिया। लेकिन इस 20 रकअत नमाज से अदा करने से, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट या 1 घंटा लगता है, इससे वो क़ियामुल लैल का हक़ अदा नहीं होता। क़ियामुल लैल का तो कुछ और ही तकाज़ा है। क़ियाम किसे कहते हैं ये सूरह मुज़म्मिल से वाज़ेह होता है। या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हू अव इन्क़ुस मिन्हु क़लीला अज़िल अलैहि वरत्तिलिल क़ुरान तरतीला। आधी रात या आधी रात से कुछ कम यानी तिहाई रात या आधी रात से कुछ ज़ायद 2 तिहाई रात, यह है क़ियामुल लैल। चुनांचे सूरह मुज़म्मिल ही की आखिरी आयत जो दूसरा रुकू मुश्तमिल है जिस पर, उसमें साफ कह दिया गया इन्न रब्बका यालमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसिल लैल व निस्फ़हू व सुलुसहू व ताइफ़तुम मिनल्लज़ीना मअक। ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह खूब वाकिफ़ है कि आप भी और आपके साथ एक जमात भी रात को खड़ी रहती है, 2 तिहाई रात या आधी रात या 1 तिहाई रात। तो ये सारा मामला जो है क़ियामुल लैल का, गोया कि कम से कम 1 तिहाई रात पर उसका इतलाक़ हो सकेगा, ये नहीं कि 1 घंटे। अब किसके ज़िमन में देखिए, हदीस पढ़िए, तीसरी हदीस है। अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये वही अब्दुल्लाह इब्न अम्र है जिनकी मैंने आपको हदीस पहले सुनाई है। ये सारी रात खड़े रहते थे, पूरी रात, और हर रोज़ रोज़ा रखते थे, जिस पर हुजूर ने मना किया ला तफ़अल, मत करो ऐसा। रज़ी अल्लाह अन्हुमा, ये ख़ुद भी सहाबी है और इनके वालिद अम्र इब्न अल-आस भी सहाबी है। अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सियामु वल क़ुरआनु यशफ़ान लिल अब्द, रोज़ा और कुरान बंदे के हक़ में शफ़ाअत करेंगे। यक़ूलु सियाम, रोज़ा ही अर्ज़ करेगा अल्लाह की जनाब में, ए रब परवरदिगार, इन्नी मनाअतहु ताम व शहवात बिन नहार, मैंने तेरे इस बंदे को दिन के दौरान खाने पीने से और अपनी शहवत का तकादा पूरा करने से रोके रखा, ये मेरी वजह से रोका रहा, तो मेरी शफ़ाअत इसके हक़ में कबूल फरमा। फशफ़्फ़िनी फ़ीह, मेरी शफ़ाअत उसके हक़ में कबूल फरमा। व यक़ूलुल कुरान, कुरान क्या कहेगा, मनाअतहु नौम बिल्लैल, मैंने इसे रात के वक्त सोने से, नींद से रोके रखा। फशफ़्फ़िनी फ़ीह, तो इसके हक़ में मेरी शफ़ाअत कबूल फरमा। हुजूर फरमाते हैं फ़युशफ़्फ़अान, इन दोनों की शफ़ाअत कबूल की जाएगी। ये है क़ियामुल लैल। ये क़ियामुल लैल सिर्फ तरावी की नमाज से जो पढ़ ली जाती है, और हमारे यहाँ तो ये है, वहाँ कम से कम ये तो था, सहाबा इकराम खड़े होते थे तो जो कारी पढ़ रहा होता था वो उनके दिल में उतरता जाता था, उसका मज़मून और मफ़हूम जो है उनको मालूम है, लिहाजा वो तो वो उसकी ज़बान से निकला हुआ हर लफ्ज़ उनके कल्ब की गहराइयों तक उतर रहा है। यहाँ तो ये है पैरट लाइक हाफिज़ है, उसे खुद पता नहीं मैं क्या पढ़ रहा हूँ। अक्सर हुफाज जो हैं वो आलिम तो नहीं होते, और जो सुन रहे हैं उन्हें कुछ पता नहीं हमने क्या सुना है। तो ठीक है, कम से कम सवाब तो उन्हें मिलेगा कि उन्होंने वक्त निकाला है, 1 घंटा ही इजाफी सही, लेकिन बहरहाल उसका वक्त तो उन्होंने निकाला है, मेहनत की है, खड़े रहे हैं, सवाब मिलेगा। लेकिन जो मकसद है वो हासिल नहीं होता। उस मकसद के हुजूल के लिए अव्वल तो क़ियामुल लैल की कम से कम मुद्दत 1/3, अगर कोई शख्स फ़र्ज़ कीजिए कि उसके यहाँ कोई और इंतज़ाम नहीं है, जैसा कि हमारे यहाँ हमने इंतज़ाम किया है, बड़े बड़े शहरों में दौरे तर्जुमा कुरान, उसमें हमें 5 घंटे लग जाते, निस शब के करीब तरीब जो है मुआवला हो जाता। उसमें क्या होता है कि हर 4 रकत से पहले जो उसके अंदर पढ़ा जाना है हिस्सा कुरान का, उसका पहले हम मुताला करते हैं, बैठकर तर्जुमा और कुछ मोटे मोटे निकात की जो है वजाहत, फिर खड़े हो गए और कारी साहब के पीछे 4 रकतों के अंदर वो 4 रुकू या जितने भी हैं पढ़ लिए, सुन लिए, फिर बैठ गए। 4 के बाद फिर अगली 4 रकतों के अंदर जो कुछ पढ़ा जाने वाला है उसका तर्जुमा, उसकी तफहीम हो गई, फिर खड़े हो गए, फिर सुन लिया। इस तरीके से 5-6 घंटे में तरावी ख़त्म हुई, तो तरावी भी हो गई, हज़रत उमर के इज्तिहाद पर अमल भी हो गया, 20 तरावी हो गई, लेकिन यह है कि उसके साथ जो असल गर्ज़ व गायत है क़ियामुल लैल की वो भी हासिल हो गई। ये हमने 17 साल पहले शुरू किया था या 18 साल पहले, और वो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से अब चल रहा है, बड़े बड़े शहरों में हो रहा है, लाहौर में जिन मकामात पर हो रहा है वो ताज़ा जो निदाए खिलाफत है उसके अंदर आप उसकी फहरिस्त देख लें। कराची में तो उससे गालिबन 3 गुना मकामात के ऊपर वो काम हो रहा है और दूसरे शहरों में भी हो रहा है। तो इससे दर हकीकत वो गर्ज़ व गायत, वो हिकमत जो है पूरी होती है कि ये दोनों चीज़ें पैरल हैं। मन सामा रमज़ान ईमानम व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, व मन क़ाम रमज़ान ईमानम व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, तो सियाम और क़ियाम जो है इन दोनों का हक़ अदा हो जाता है। तो ये है शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुम, वमन कान मरीदन अव अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसर, वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। अब जो आखिरी लफ्ज़ लअल्लकुम तशकुरून, अब उसकी वजाहत समझिए। और रमज़ान के ये 2 प्रोग्राम जब पैरेलल हो जाएंगे, जब दोनों की पाबंदी की जाएगी, तो उसका हासिल क्या है, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आप इसको समझिए कि जिसे हम खुद ही कह रहे थे, जिसे हम सेल्फ कह रहे थे, अपनी अना को मजबूत करना, सेल्फ कंट्रोल, ईगो जो है वो पूरी तरह काबू याफ्ता हो इड और लिबिडो पर, असल में उससे मुराद क्या है, इस पर मैंने तफसील से बहस की है अज़मत सौम नामी अपने किताबचे में। वैसे यह है कि वो मुश्किल है, ज़रा फ़लसफियाना उसका अंदाज़ है, लेकिन यह है कि वही बातें आसान अल्फाज में, जो दूसरा किताबचा है अज़मत सियाम क़याम रमज़ान मुबारक, वो आसान है, अगरचे ये दोनों बहुत ही महदूद तादाद में हमारे पास हैं, लेकिन यह कि मैंने ज़िक्र कर दिया, जो हज़रात लेना चाहें वो ले लें। लेकिन यह है कि इसमें असल पसमंजर क्या है। देखिए, हमारा जो वजूद है इंसान का, ये कॉम्पोजिट है, मुरक्कब है। हमारे दो वजूद हैं जो जोड़ दिए गए, कैसे जोड़ दिए गए हम नहीं जानते, लेकिन है दो वजूद। एक वजूद हैवानी है, हर, मैंने अर्ज किया था पहले ही, हर इंसान एक हैवान भी है, मुकम्मल सारे हैवानी तकाजे हमारे अंदर भी हैं। लेकिन हैवान और इंसान में बुनियादी फर्क यह है कि इंसान का जो असल वजूद है वो रूहानी है। उस रूहानी वजूद की वजह से इंसान का वो मकाम हुआ कि तमाम फरिश्तों को उसको सजदा करने का हुक्म दिया गया। फैजा सव्वैतहु व नफख्तु फीहि मिन रूही फक़ऊ लहू साजिदीन। फरिश्तों से कह दिया गया था कि मैं एक बशर पैदा करने वाला हूं मिट्टी से, जब मैं उसे पैदा कर लूं और उसकी नाक पलक संवार दूं, दो पलक दुरुस्त कर दूं, तो फिर उसके सामने और उसमें अपनी रूह में से फूंक दूं तो गिर पड़ना उसके सामने सजदे में। हैवान इंसान और इंसान रूहानी, ये दोनों मिलकर अब आदम बने हैं। नंबर दो, इस हैवान इंसान का वजूद जमीन से है, मिट्टी से पैदा की, मिट्टी से, गारे से, तीन इन लाजिब से, चिपचिकाने वाले गारे से, वो जिसमें के बदबू पैदा हो जाए, ये सारी बातें कही गई हैं। और साइंस भी कहती है मिट्टी से पैदा हुए, कैसे पैदा हुए उसमें इख्तलाफ है, लेकिन यह कि है मिट्टी हमारी ओरिजिन, कुरान भी कहता है और साइंस भी कहती है। और हमारे वजूद को जब वो थक जाए, मुजमहिल हो जाए, उसकी एनर्जी कम हो जाए, तो उसके लिए जो ग़िज़ा है, जो तक़वियत है, वो भी सारी ज़मीन से आ रही है। आपने फल खाए, आपने गंदुम खाई, आपने चावल, कहाँ से आ रहे? अच्छा, बकरी का गोश्त खाया, तो बकरी का गोश्त किस चीज़ से बना है? उसने घास खाई है, उसने पत्ते खाए हैं, वहीं से तो बना है ना। अल्टीमेट सोर्स आपके वजूद हैवानी के लिए जो आ रही है वो ज़मीन है। वजूद रूहानी को भी तक़वियत की ज़रूरत है, वो भी मुजमहिल होती है, कमज़ोर हो जाती है, ख़ास तौर पर जबकि वजूद हैवानी का उस पर गलबा हो जाए, तब तो यूँ समझिए कि वो बिल्कुल बेहोश होकर मौत के करीब पहुँच जाती है। इसकी तक़वियत, इसकी ग़िज़ा वहीं से आई है जहाँ से रूह आई है, वो कलाम रब्बानी है, रूह रब्बानी। नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, मिन रूही, मिन रूही, मैं फूंक दूं उसमें अपनी रूह में से। रूह का ताल्लुक ज़ाते बारी ताला के साथ है। इसी तरह कलाम रब्बानी कहाँ से आया है? अल्लाह ताला के पास से आया है। ये उसकी तक़वियत का ज़रिया है। अब आम हालात में क्या होता है, हमारा ये वजूद हैवानी छाया हुआ है हमारे वजूद के ऊपर, बेचारी रूह जो है दबी रहती है, पिसी रहती है। अगर खुदा न खास्ता हम गुनाहगार भी हैं, गुनाह पर गुनाह का इर्तिकाब कर रहे हैं, तो वो रूह जो है वो कल्ब के आईने शीशे के अंदर है। फ़ीहा मिसबाह, अल मिसबाह फ़ी ज़ुजाजा, अज़ुजाजा तो कान्नहा कौकबन दुर्रियुन। कल्ब जो है शीशे के मानिंद है जिसके अंदर रूह का चिराग जल रहा है। अब अगर ये ऊपर जो शीशा है उस पर धुआं आ गया, लालटेन की चिमनी पर धुआं आ गया, तो अब रोशनी बाहर तो नहीं आएगी। अगर इंसान गुनाह करता है तो कल्ब पर रैन, जंग आ जाता है, या हुजूर ने फरमाया एक दाग लग जाता है, और गुनाह करता है और दाग लगता है, और गुनाह करता है और दाग, यहाँ तक कि बिल आखिर पूरा कल्ब स्याह हो जाता है। अब वो रूह अंदर बंद हो गई, वो दफन हो गई। इसके लिए अब ज़रूरी है कि अब एक प्रोग्राम ऐसा दिया जाए जो रिवर्स हो जाए। दिन में रोज़ा रखवाओ ताकि वो जो एनिमल इंस्टिंक्ट है वो दबे, तो जब ये वज़न जो है उसके ऊपर कम होगा तो कुछ साई ऑफ रिलीफ उसे मिलेगी। जैसे बेहोश आदमी पड़ा है, उसे कुछ हल्का सा होश आ रहा है, आपने पानी के कुछ छींटे दिए, उसके बाद आपने रात को खड़े होकर कुरान के अनवार को उतारा, बारिश बरस रही है रूह इंसानी के ऊपर, कल्ब रूहानी, कल्ब इंसानी के ऊपर, जिसमें कि वो रूह जो है वो दफन है, वो जिंदा होगी, असरे नौ होश में आएगी। और होश में आएगी तो दो काम होंगे, एक तो उसे कुरान की अजमत का एहसास होगा, यह कुरान मेरी हयात ताज़ा का जरिया बना है, मैं दब गई थी, मैं पिस गई थी, मैं बेहोश थी, मैं नीम मुर्दा थी, इस कुरान की बारिश ने, यह तरशो जो हुआ है मुझ पर, इसने मुझे हयात ताज़ा अता फरमाई। ये जो कदर का एहसास होगा कुरान का, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम कुरान की अजमत से वाकिफ हो जाओ। एक इंसान भूख की वजह से उसका शुगर लेवल इतना गिर गया कि बेहोश पड़ा हुआ, अब जाहिर बात है कि आप उसे कुछ पानी के छींटे देंगे तो कुछ होश में आएगा, फिर ग़िज़ा देंगे तो अब वो पूरी तवानाई पर आएगा तो मालूम होगा उसे इस ग़िज़ा की क्या कदर व कीमत है। अगर आपको भूख ही नहीं लगती तो ग़िज़ा बेमानिश है, प्यास ही ना लगे तो आपको क्या मालूम कि इस पानी के अंदर कितनी बड़ी अज़मत है, ये मेरे लिए कितना बड़ा इनाम और एहसान है अल्लाह का। वो तो प्यास पर, जान पर बनी हुई हो, और प्यास उस वक्त आपको एक घूंट पानी कोई दे दे तो आपको मालूम होगा दुनिया और माफिया से बढ़कर है ये एक घूंट पानी जो मुझे मिला है। इसी तरह जब रूह दबी हुई थी हैवानी वजूद के बोझ तले, जबकि वो नीम खाबीदा या नीम बेहोश या बिल्कुल बेहोश थी, वो दिन में तो रोज़ा रखकर उस पर से हैवानी वजूद का वज़न कम किया गया, उसे एक रिलीफ मिली। रात को कुरान मजीद के अनवार व बरक़ात उसमें जज्ब किए गए तो उसको पूरी तवानाई हासिल हुई। उस पूरी तवानाई का पहला नतीजा तशक्कुर, कुरान का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिही किताब वलम यजअल लहू इवजा, फिर वह कल्ब की गहराइयों से निकलेगा। सारा शुक्र उस अल्लाह के लिए जिसने अपने बंदे पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब नाजिल की और उसमें कोई कजी नहीं रखी, किसी तरह की एच पेच नहीं। या तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अलफुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नसीरा, बड़ी बाबरकत है वो ज़ात जिसने अपने बंदे पर फुरक़ान नाजिल फरमाया ताकि वो तमाम जहान वालों के लिए नज़ीर और ख़बरदार करने वाला बन जाए। ये कुरान की अज़मत का एहसास, और जाहिर बात है जिस कदर किसी नेमत की कदर व कीमत का एहसास होगा उसी कदर तो आप शुक्र अदा करेंगे। अगर आपने किसी बच्चे के हाथ पर हीरा रख दिया, उसे क्या पता ये हीरा किस बला का नाम होता है, वो समझेगा कांच का टुकड़ा है। लेकिन अगर कोई वाक़तन को जौहर शनास हो, जौहरी हो, उसको आप हीरा देंगे तो उसे मालूम है कि मुझे क्या चीज़ दी गई है। उसके अंदर जो शुक्र पैदा होगा वो उस बच्चे के अंदर तो नहीं पैदा हो सकता जिसे मालूम ही नहीं। तो कुरान मजीद की असल अज़मत से इंसान वाकिफ़ कब होगा, जबकि उसके ज़रिए से उसकी रूह को एक हयात ताज़ा मिल जाए और इस तरह वो प्रोग्राम रिवर्स हो जाए जो आम तौर पर चल रहा था, सारी तवज्जो अपने जिस्म पर, उसके तकाज़ों पर। जिसम में थोड़ी सी फुंसी निकल आई है, भाग रहे दौड़ रहे हैं उसके इलाज के लिए। कोई और मरज लायक हो गया है, भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं उसके इलाज के लिए, बड़ी बड़ी फीसें भी दे रहे हैं। सारी जिस्म की परवाह है ना, रोज़ाना नहा रहे हैं और अच्छे से अच्छा साबन ला कर नहा रहे हैं, वो जिस्म की परवाह है ना, उसकी देखभाल है। रूह की तरफ तवज्जो ही नहीं। ये है वो बात जो कही गई है सूरह हशर में, और जिसे अल्लामा इकबाल ने फिर अपने फ़लसफ़ा खुदी की असास और सोर्स करार दिया है। वला तकूनू कल्लज़ीन नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिकून। देखो ऐ मुसलमानों, उन लोगों के मानिंद न हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने उन्हें अपने आप से गाफिल कर दिया, और यही लोग फासिक व फाजिर हैं। यह सवाल पैदा होता है कि इंसान अपने आप से कहाँ गाफिल होता है? क्या अपने वजूद हैवानी से गाफिल होता है? क्या भूख लगती है तो इधर उधर मुँह नहीं मारता, ग़िज़ा को हासिल करने के लिए कोशिश नहीं करता? प्यास लगती है तो क्या पानी या कोई और मशरूब तलाश नहीं करता? कोई बीमारी लाहिक होती है तो क्या उसके इलाज की तरफ तवज्जो नहीं करता? उसे आराम की हाजत होती है तो आराम नहीं लेता? अपने इस वजूद से तो गाफिल नहीं। कौन से वजूद से गाफिल हुआ है? वो रूहानी वजूद से गाफिल है, भूल गया कि मेरे अंदर रूहानी वजूद भी है और उसका ताल्लुक़ ज़ात बारी ताला के साथ है। उसने समझा कि मैं बस हैवान हूँ, निरा हैवान हूँ, अपने उस वजूद की असल हकीकत ही से बेखबर, गाफिल। चुनाचे आज के दौर का सबसे बड़ा अलमिया क्या है? डार्विन के नज़रिए के जो असरात पैदा हुए हमारी माशरत पर, हमारी सोच पर, हमारे फ़िक्र पर, हमारे फ़लसफ़े पर, हमारी सोशोलॉजी पर, वो क्या है कि हम भी निरे हैवान हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लल्लाह। ये सबसे बड़ी महरूमी है इस दौर की कि इंसान अपने असल शरफ से खुद ही मुस्ताफ़ी हो गया। हमारा कोई वजूद है ही नहीं, रूहानी वगैरह, रूह किसे कहते हैं हम नहीं जानते, बस ये जिस्म है। हम अल्लाह को नहीं जानते कौन है कौन नहीं है, होगा, हम तो इस कायनात को जानते हैं। हम रूह से वाकिफ़ नहीं, हम तो अपने जिस्म को वाकिफ़ हैं। आखरत वाखरत से हम, अब हमें कुछ पता नहीं, शायद हो शायद ना हो, कुछ पता नहीं, लेकिन ये ज़िंदगी तो है, इसे हम जानते हैं। ये है आज के इंसान का सबसे बड़ा अलमिया, और ये है मास स्केल के ऊपर इर्तदाद, ज़हनी तौर पर मुर्तद हो चुके हैं इंसानों की अजीम अक्सरियत मुर्तद हो चुकी है। ये है दर हकीकत के रोज़ा जो है इस प्रोग्राम को आकर रिवर्स करता है। दिन में खाने पीने जिनसी तकाजे पर पाबंदी, वो वजूद हैवानी का वज़न कुछ कम हुआ, रूह जो दबी हुई थी या सिसक रही थी या बेहोश थी यानी मुर्दा थी, उसे कुछ रिलीफ मिला। अब उसके ऊपर कुरान मजीद के तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुजूल किताब गिरह कुशाह न राजी न साहिब कशाफ, हमारे दिलों के ऊपर बारिश हो रही हो अनवार कुरानी की। वो जाहिर बात है कि बगैर समझे तो नहीं होगी बारिश, वो तो आप कुछ समझ रहे होंगे तो बारिश होगी, वरना तो ये है कि ठीक है मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ आपको सवाब तो मिलेगा, लेकिन यह है कि वो असल मकसद कुरान की अजमत का कल्ब की गहराइयों से एतराफ़ जो है और उस पर अल्लाह का शुक्र तो अदा होगा। लअल्लकुम तशकुरून, जबकि कुरान मजीद जो है आपके कल्ब के ऊपर नाजिल है, उसका मफहूम नाजिल है। अच्छा, इसका दूसरा नतीजा क्या निकलता है? जब वो रूह जो है वो होश में आएगी, उसको हयात ताज़ा मिल गई, वो अपने असल मरकज़ और मंबा और सरचश्मा की तरफ जो है मुतवज्जे होगी। अरबी ज़बान का एक मकूला है, कुल्लु शैइन यरजिउ इला असलिही, हर शय अपनी असल जड़ की तरफ जो है लौटती है। हमारा वजूद हैवानी ज़मीन से ज़मीनी की तरफ लौटता है, यानी मरने के बाद ज़मीनी में चला जाएगा। और नंबर दो, दुनिया में भी ज़मीनी ख्वाहिशात, ज़मीनी तमन्नाएँ, आरजुएँ वो हैं, वलाकिन्नहु अखलदा इलल अर्द, जैसे कि सूरह वो कहा गया है बलआम बिन बाऊरा के बारे में सूरह आराफ में, वो तो ज़मीन ही की तरफ धंसता चला गया। हमारी रूह का मंबा और सरचश्मा ज़ाते बारी ताला है, वो अमर रब है, लिहाजा फ़ौरन इंसान अपने रब की तरफ मुतवज्जे होता है। ये अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाना और फिर उससे हम कलाम होना और उससे दुआ करना, ये है रोज़े का असल मकसद। जब सियाम और क़याम रमज़ान मुबारक का दोहरा प्रोग्राम होगा तो रूह इंसानी या इंसान का हैवानी वजूद अपने मरकज़ की तरफ माइल परवाज़ था। हुस्न, इसको कह लीजिए अपने मरकज़ की तरफ माइल परवाज़ है। रूह हर शय अपने असल की तरफ लौटती है, लिहाजा ये अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होगी। ये अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होने का मामला दुनिया में रहा है कि लोग कहीं जंगलों में जाकर तपस्याएं करके, गारों में बैठ के, बड़ी बड़ी रियाजतें करके क्या चाहते थे? मुझको है तेरी जुस्तजू, मुझको तेरी तलाश है, खालिक मेरे कहाँ है तू, मुझको तेरी तलाश है। मैंने ये नज़म जो है तकरीबन 6 साल जो है हर रोज़ सुबह, हमारा जो हाई स्कूल था उसमें जो सुबह प्रेयर होती थी, लोग सब जमा होते थे, पूरा स्कूल जो है उसके सारे तलबा, तो ये नज़म जो है पढ़ी जाती थी, मुझको है तेरी जुस्तजू, मुझको तेरी तलाश है, खालिक मेरे कहाँ है तू, मुझको तेरी तलाश है। रूह इंसानी चाहती है अल्लाह का तकर्रुब, अल्लाह के करीब होना, अल्लाह से रिश्ता उस्तवार करना। ये वजूद हैवानी हाइल है उसके रास्ते में, ये हयात दुनियावी उसके लिए पिंजरा बन गई है, उस रूह के लिए ये एक अदर हकीकत कैद खाना है। जैसे कि हुजूर ने फरमाया कि दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, मोमिन के हक में ये दुनिया कैद खाना है, उसकी रूह जो है यहाँ आकर इस जसद हैवानी के अंदर जो है वो दफन हो गई है, कैद खाना है, इस पिंजरे में बंद हो गई। तो लेकिन वो काफिर के लिए यही बागो बहार है, यहीं पर ऐश करने हैं, यहीं पर मज़े लूटने हैं। तो इससे दर हकीकत रिलीफ मिलता है, तो इंसान मुतवज्जे होता है अल्लाह की तरफ और दुआ करता है, अल्लाह से हम कलाम होता है। ये है दर हकीकत रोज़े और रमज़ान का जो दूसरा नतीजा निकलता है और बुलंद तरीन नतीजा है, इसका जिक्र है आयत नंबर 4 में। और ये कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुरान मजीद में नज़म के बहुत कायल हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ कि इस नज़म के अंदर इसके रब्त और रिश्ते को वो तलाश करने से कासिर आए। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, जब रूह बेदार हो जाएगी, उसे हयात ताज़ा मिलेगी, तो ऐ नबी मेरे बंदे जब आपसे पूछें मेरे बारे में, वो मेरा तकर्रुब चाहते हैं, मेरा कुर्ब चाहते हैं, वो चाहते हैं मुझसे हम कलाम होना, वो चाहते हैं कि मुझे उनके साथ, उनको मेरे साथ एक निस्बत मिल जाए। वैज़ा सालक इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, उन्हें बता दीजिए मैं करीब ही हूँ, मैं दूर नहीं हूँ। और आया है सूरह काफ़ में, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, जो शहरक है इंसान की, उससे भी ज्यादा करीब हूं मैं उससे। नोट कीजिए कैसे, उसकी रूह का ताल्लुक मेरी जात के साथ है बराह रास्त। इसकी मिसाल भी मैं दे चुका हूं कई अपनी किताबों के अंदर। अज़मत सौम नामी किताब जब पढ़ेंगे, जो हजरात भी समझ सके पूरी तरह उसको, उसके अंदर ये बात बयान हुई। और इसीलिए देखिए हदीस आखिरी पढ़ लीजिए कि हुजूर ने करार दिया है कि रोज़ा जो है तमाम इबादात के अंदर एक बिल्कुल मुनफरिद शान का हामिल है। वहाँ नबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और ये मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत है बुखारी और मुस्लिम दोनों की, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल। इसे हदीस कुदसी कहते हैं। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है। तो ये हदीस भी हो गई कि हुजूर ने हमें बताई, और हदीस कुदसी हो गई कि अल्लाह का कौल है जो हुजूर नकल कर रहे हैं। कुरान मजीद वही ये जली है, ये वही ये खफ़ी है, लेकिन ये आम हदीसों के मुकाबले में इसका मरतबा और मकाम बहुत बुलंद है कि हुजूर फरमा रहे कि अल्लाह फरमाता है, यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल कुल्लु अमल इब्न आदम लहू। इब्न आदम का हर अमल, हर नेकी उसके अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए। इल्ला सौम, सिवाय रोज़े के, फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही या उज्ज़ा बिही, ये मेरे लिए है और मैं खुद ही उसकी बदला दूंगा, या मैं खुद ही उसका बदला हूँ। ये दोनों तर्जुमे हैं। अज़मत सौम में मैंने तफसील से बहस की है कि वैसे तो नमाज भी अल्लाह के लिए, अक़िमिस्सलात अल ज़िक्री। हज किस लिए है? लिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, अल्लाह के लिए। ज़कात किसके लिए? अल्लाह के नाम पर दी जा रही है, अल्लाह के लिए दी जा रही है। सौम में बात क्या है? सौम में असल चीज मलहूज क्या है? रूह इंसानी को ताज़ा करना, जिंदा करना, उसकी हयात ताज़ा का बंदोबस्त करना। और रूह का ताल्लुक ज़ात बारी ताला के साथ है। इस ताल्लुक की मिसाल यूँ समझिए जैसे हमें मालूम है सूरज का फासला हमसे कितना है, करोड़ा 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 मील। लेकिन सूरज की किरण जो वहाँ से चलकर यहाँ तक पहुँची है, क्या उसका ताल्लुक सूरज से मुनक़ते है? सूरज के साथ तो ताल्लुक़ कायम है। इसी तरह रूह इंसानी ज़ाते बारी ताला से बहुत दूर आकर कह लीजिए हमारे वजूद के अंदर आ गई, हमारे कल्ब के अंदर मुतमक्किन हो गई। लेकिन क्या उसका ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात से मुनक़ते है? नहीं। लेकिन ये रूह ही अगर मुज़महिल हो गई तो ताल्लुक़ मुनक़ते हो जाएगा, इसलिए कि इस रूह के अंदर ही जान नहीं रही। ये रूह ताज़ा होगी तो इसका ताल्लुक अल्लाह की ज़ात के साथ असर नौसवार हो जाएगा। इसलिए ये कहा ये मेरे लिए, इल्ला सौम फ़इन्नहु ली, ये मेरे लिए, व अना अज्ज़ी बिही या उज्ज़ा बिही, मैं खुद ही उसका बदला दूंगा या खुद ही उसकी जज़ा हूँ। खुद ही उसकी जज़ा हूँ, अल्लाह के उस बंदे का ताल्लुक मेरे साथ ऐसा कायम हो जाएगा कि गोया कि उसे मैं मिल गया। और मेरा ये मिल जाना ही दर हकीकत इंसानियत की मेराज है। और दुआ के बारे में जान लीजिए कि हुजूर ने फरमाया अद्दुआओ मुखुल इबादा, दुआ जो है इबादत का असल जौहर है, लुबे लुबाब है। और यह भी कहा अद्दुआओ हुवल इबादा, दुआ ही असल इबादत है, दुआ ही असल इबादत। दुआ जो है वो रूह है इसकी। और अल्लामा इकबाल ने अपने लेक्चर्स में जो ये खुतबा रखा है इस मौजू के लिए, मीनिंग ऑफ प्रेयर इन इस्लाम, बड़ा अजीम है। उसने जो नक्शा खींचा है कि ये प्रेयर क्या है, अनाए सगीर, ये ईगो मेरा, मेरी अना, मेरी खुदी, अनाए सगीर अनाए कबीर के रूबरू आती है। अनाए कबीर अल्लाह, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना, ये अना अनाए कबीर, अल्लाह की अना, वो अजीम अना। और ये छोटी सी महदूद सी अना, तू है मोहित बेकरां, मैं हूँ जरा सी आबजू, या मुझे हम किनार कर या मुझे बेकिनार कर। इकबाल ने पता नहीं किस जगह किस कैफियत में डूब कर यह शेर कहा है, ए अल्लाह तू तो एक ऐसे समंदर के मानिंद है कि जिसका किनारा ही नहीं। और मैं छोटी सी एक पानी की एक छोटी सी नदी हूँ, आबजू हूँ छोटी सी। अब क्या शक्ल है, या तो मुझे अपने आप में मिला ले ताकि मैं भी नापैदा किनार हो जाऊँ। दरियाए सिंध का पानी जब समंदर में गिर जाता तो समंदर ही बन जाता। और या फिर मुझे भी बेकिनार कर दे, मेरी वजूद को भी इतनी वसअत दे दे कि कोई किनारा ना रहे। अब ये क्या उसने समझा, क्या कहा लेकिन मैंने वही अनाए कबीर अनाए सगीर। एक है नमाज हम पढ़ लेते हैं, आपने सारा पढ़ लिया, सारा तादील अरकान भी कर ली, लेकिन अगर आपका अल्लाह के साथ डायरेक्ट कम्युनियन और डायरेक्ट कम्युनिकेशन कायम नहीं हुआ तो नमाज, जिसको कि कहा गया कि अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, जो कुर्ब हुजूर को हासिल हुआ मेराज में, वो एक बंदा मोमिन दुनिया में रहते हुए हासिल कर सकता है नमाज में, अगर उसकी रूह जो है वाक़तन हम का नाम हो रही हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इय्याक नअबुदु व इय्याक, अगर हम वाक़तन ऐसे कह रहे हो कि हमें एहसास हो कि हम अल्लाह के हुजूर में हाजिर हैं और अर्ज़ कर रहे हैं। सजदा करें तो हदीस में आता है कि ऐसे महसूस हो कि गोया कि मैंने अपना सर अल्लाह के कदमों में रख दिया है। ये है नमाज। अब जो गुफ्तगू हो रही है ये हम कलामी है। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, अहले ईमान के हक़ में ये नमाज जो है ये मेराज के दर्जे में। लेकिन इस ये नमाज कैसे नसीब होगी अगर रूह सोई हुई है, दबी हुई है, पिसी हुई है, मुजमहिल है या मुर्दा है? ये नमाज कैसे हासिल होगी? चाहे आप पाँचों वक्त की नमाज पढ़ रहे हो, चाहे आपने हैबिट बना लिया हो नमाज को, चाहे खुश भी हो गया हो, लेकिन ये कि जब तक वो रूह बेदार न हो, जब तक हम कलामी ना हो। अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर, करते हैं खिताब आखिर। जब तक ये ना हो, जैसे कि मैं एक हदीस कुदसी इंशाअल्लाह आज सुनाऊँगा सूरह फातिहा के ज़िमन में, कि अल्लाह ताला के सामने जब खड़ा होकर इंसान जब कहता है इन्नी वज्जहतु वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल्अर्ज़ हनीफ़ा, दाएँ बाएँ से बिल्कुल अपना ताल्लुक़ काट कर मैंने अपना रुख कर लिया है उस अल्लाह की तरफ जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। अब ये तवज्जो तवज्जो वज्जहतु, अगर ये तो है चेहरा तो हमने कर दिया खाना काबा की तरफ, अंदर से हमारी रूह मुतवज्जो नहीं हुई, वो सोई पड़ी, उसे पता ही कुछ नहीं कि क्या हो रहा है, तो उस सूरत में वो क्या है? ज़ाहिरी बात तो पूरी हो गई, नमाज का सवाब हो जाएगा, फ़र्ज़ की अदायगी का सवाब मिल जाएगा, लेकिन वो असल नमाज तो हासिल नहीं होती। ये है वो बात कि वाइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, ए नबी जब मेरे बंदों की रूहें बेदार हो जाएँ, तवाना हो जाएँ, हयात ताज़ा से वो हमकिनार हो जाएँ और फिर वो मेरे बारे में पूछे, वो मेरा तकर्रुब हासिल करना चाहते हैं, तो आपसे पूछे तो कहिए मैं करीब हूँ। उजीब दावत दाइज़ा दुआन, ये है वो दुआ, मैं हर पुकारने वाले की पुकार, हर दुआ करने वाले की दुआ को सुनता हूँ, कबूल करता हूँ, जवाब देता हूँ जहाँ कहीं भी मुझे पुकारे। इज़ा दुआन, इसमें दर हकीकत वो मफहूम आ गया है देयर एंड देन वेयर एवर। आप अपने घर में होकर पुकारें अल्लाह को, आप बिस्तर पर लेटे हुए पुकारें अल्लाह को, लज़ीना यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। हाँ ठीक है, बाज़ मक़ामात बाज़ औक़ात कबूल दुआ के लिए ज़्यादा साजगार है, हरम में जाकर दुआ मांगी जाए और मिना में, अरफात में ख़ास तौर पर, जबल रहमत पर ख़ास तौर पर, मुल्तज़िम जो है काबे का उस पर ख़ास तौर पर, वह अय्याम भी है ख़ास। लेकिन ये नहीं है कि बकिया दिनों में आपके और अल्लाह के दरमियान को बड़ा फासला है। ये सारा दुनिया में मुशरिकाना निज़ामों ने तसव्वुर पैदा किया, अल्लाह तो दूर है दूर है दूर है दूर है, पाक है पाक है पाक, तुम नापाक हो नापाक हो नापाक हो, और तुम तो बड़ी पस्ती में पड़े हो, तुम अल्लाह से बराह रास्त हम कलाम नहीं हो सकते। कोई दरमियानी चाहिए, कोई लिंक्स चाहिए, कोई पुजारी होगा, कोई पुरोहित होगा, कोई पंडित होगा, कोई पीर होगा, कोई पादरी होगा, कोई पोप होगा, उसके जरिए से तुम अल्लाह से हम कलाम हो, खुद नहीं। और जब जरिए बीच में आ गए तो इनकी मुट्ठी गर्म करो, इनकी चापलूसी करो, इनको भी जो है चादरें चढ़ाओ, इनको नजराने पेश करो। ये है बदतरीन एक्सप्लॉयटेशन जो मजहब के जरिए से नौ इंसानी की हुई है। ये दो एक्सप्लॉयटेशन दुनिया में हुई है तारीख इंसानी में, एक बादशाहों की तरफ से, खराज दो हमें, मेहनत तुम करोगे खेत में, आधा हिस्सा हमारे पास आएगा, हम ऐश करेंगे, हम स्टैंडिंग आर्मीज रखेंगे ताकि ज़रा तुम बगावत करो तो तुम्हारा सर कुचल दिया जाए। ये एक्सप्लॉयटेशन बदतरीन। मांगने वाला गधा है, सदका मांगे या खराज। दूसरी तरफ हम बादशाह हैं, हम चंद्र बंसी सूरज बंसी ख़ानदान हैं, हम राजपूत हैं, हुकूमत करना हमारा हक है। और ये पंडित पुरोहित जो है वो भी कहेंगे कि ठीक है निस्फुल्ली व निस्फुल्लक वहादा कौमुन जाहिलून, ये आवाम जो है इनका खून चूसो, हमें ये नजराने पेश करें, बुतों को आके चढ़ावे चढ़ाएं और तुम्हें खराज दें और टैक्स दें। दे आर टू बी एक्सप्लॉयटेड, एक्सप्लॉयट हो रहा। इस्लाम ने आकर दोनों का खात्मा किया, कोई मलूकियत नहीं। ज़कात है तो गुरबा के लिए, बादशाह के लिए नहीं है, ये तो गुरबा के लिए, लिहाजा कोई टैक्स नहीं। नंबर दो, अल्लाह से हम कलाम होने के लिए किसी दरबान, किसी जो है पहरेदार की मुट्ठी गर्म करने की जरूरत नहीं। जब चाहो हम कलाम हो जाओ, दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। ये तो तुम हमारी तरफ मुतवज्जह नहीं होते, हम तो हर वक्त कहते हैं, हर शब्द को, आखिरी लम्हात जो है, आखिरी जो घंटे हैं रात के, समाए दुनिया तक हम नुज़ूल फरमा लेते हैं तुम्हारे लिए। और पुकारने वाला पुकारता है, हल बिन मुस्तगफिरिन फगफिर लह, है कोई इस्तगफार करने वाला कि मैं उसे बख्श दूँ। हल बिन साइलिन फओतियहू, है कोई मांगने वाला कि मैं उसे अता करूँ। तुम ही सोए रहते हो, अंटा गफील रहते हो, तुम्हें हमारी तरफ तवज्जो नहीं है। अगर हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाओ तो जैसे कि इकबाल ने कहा कि मैं, मेरे लिए ये दरबान जो है पीराने कलीसा को कलीसा से उठा दो। क्यों खालिक व मखलूक में हाइल रहे पर्दे। और ये मैंने कई मरतबा बयान किया है, हमारे यहाँ वो PPP जो जमात बनी थी एक, अब उसमें 2 पीएँ और ऐड हो गई हैं, PPP, फिर वो पैट्रियट, और उससे आए अपने पहले पार्लियामेंटेरियन की पी आ गई और फिर पैट्रियट की आ गई, 5 पीस हो गई। इसी तरह गिनती है हिंदुस्तान में, पंडित, पुरोहित और पुजारी, 3 पे तो यहाँ थी, पीर, ईरान का पीर, और पोप और पादरी, ये सब पे से शुरू होते हैं अल्फाज। और ये सब दर हकीकत जो है शुरू होने वाले अल्फाज, ये दर हकीकत इंसानों की बदतरीन एक्सप्लॉयटेशन का जरिया। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीब दावत अद्दाई इज़ा दान फ़लयस्तजीबू ली। हाँ, एक तकाजा है, लेकिन उससे पहले ये बात समझ लीजिए, मैं इस आयत को मैग्ना कार्टा जिसे कहा जाता है हुकूक इंसानी का सबसे बड़ा चार्टर, मैं उससे कहीं बड़ा चार्टर करार देता हूँ कि अल्लाह कहता है मुझसे हम कलाम होने के लिए किसी वास्ते की, किसी वसीले की कोई हाजत नहीं, जब चाहो मुझसे हम कलाम हो जाए। हाँ, एक शर्त है, फलयस्तजीबूली, चाहिए कि वो मेरी बात भी कबूल करें, मेरे अहकाम को तस्लीम करें, मेरे फरामीन कान से खोल कर सुने, उन पर दिल से अमल करें। फलयस्तजीबू, ये 1 वे ट्रैफिक नहीं होगा कि हम तुम्हारी दुआएं कबूल करें और तुम हमारी बातों से पहलू तो ही करो, सुनी अनसुनी कर दो, ये नहीं होगा। ये एक 2 वे ताल्लुक़ है, जिसे आजकल कहा जाता है बाईलैटरल ताल्लुक़ है। बाईलैटरल ताल्लुक़ है अल्लाह और बंदे के दरमियान। बंदा तौबा करता है मासी से, अल्लाह ताला भी, उसके लिए भी लफ्ज़ तव्वाब है, वो भी अपनी रहमत के साथ दोबारा मुतवज्जह हो जाता है। तुम अल्लाह को याद करो, फस्कुरूनी अस्कुरकुम, मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूंगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। यह है 2 तरफा मामला। इसी तरीके से तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूं, उजीबु दावत दाइजादान, मैं हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूं, जब और जहां, वेयर एंड वेन वो मुझे पुकारे। लेकिन लाजिम है फलयस्तजीबू ली, वो भी मेरा कहना माने, मेरे फरामीन को खुले कानों सुने और तहे दिल से उस पर अमल करे। वलयूमिनू बी, और मुझ पर ईमान पुख्ता रखे, यकीन उसके साथ मुझे पुकारे। लअल्लहुम यरशुदून, अब ये सबसे बड़ा लफ्ज़ आ गया, ताकि उन्हें रुश्द हासिल हो जाए। रुश्द, फौज, फलाह, रुश्द, ये कई अल्फाज हैं। फौज, फाइज, फलाह, मुफलिहून, रुश्द, राशिदून। और ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ सहाबा किराम के लिए सूरह हुजरात में, उलाइका हुमुर राशिदून। तो गोया कि ये बुलंद तरीन मंजिल है इंसान के लिए, अगर उसका ये ताल्लुक़ अल्लाह के साथ कायम हो, दुआ का, हम कलाम होने का रिश्ता उसका कबूल हो, मुझ मिल जाए। अब आखिरी बात नोट कीजिए, आखिरी आयत जो है इस रुकू की, बज़ाहिर उसका ताल्लुक न रोज़े से न रमज़ान से, अक्ल हलाल अक्ल हराम से रोका गया है। वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, और देखो अपने माल आपस में बातिल तरीक़ों से मत खाओ। वतुदलू बिहा इलालुकाम, और ना ही अपने मालों के ज़रिए से हुक्काम तक पहुँचो। लताकुलू फरीक़म मिन अम्वालिन नास बिल इस्म, कि तुम लोगों में से किसी का माल गुनाह के साथ नाजायज़ तौर से हड़प कर जाओ, रिश्वत देकर, और अपने हक़ में कोई गलत फ़ैसला करवा लो। वअंतुम तालमून, जानते बूझते ये काम ना करो। बज़ाहिर तो न रोज़े से ताल्लुक़ है न रमज़ान से, फिर इस रुकू में कैसे आ गए? बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, अव्वल व आखिर का ताल्लुक़ है। पहली आयत में मुजर्रद रमज़ान रोज़े की जो फजीलत बयान की गई थी या हिकमत, आयत क्या थी? तकवा। ये तकवा का मेयार है। तकवा जो है ज़वाहिर की बुनियाद पर नहीं है, अगरचे जाहिर बात है कि ज़वाहिर भी दीन का हिस्सा है। हुजूर की सी वज़ा क़ता इख्तियार करना यकीनन एक नेकी का काम है, हर चीज़ में हुजूर के नक्शे कदम पर चलना, लेकिन ये ज़वाहिर पर नहीं है तकवा। तकवा दिल में हो, अतकवा हा होना, अतकवा हा होना, अतकवा हा। 3 मरतबा हुजूर ने अपने सीने मुबारक और कल्बे मुबारक की तरफ इशारा करके फरमाया तकवा यहाँ होता है, तकवा यहाँ। जब यहाँ होगा तो पूरे वजूद में सरात कर जाएगा। लेकिन इसमें अहम तरीन बात क्या है? अक्ल हलाल, जो मुश्किल तरीन काम है। हराम का लुकमा ना आए, वरना जैसे कि कहा गया है दुआ के बेहतरीन मकाम पर पहुंच गए हो, हरम काबा, काबा के मुल्तज़िम के साथ चिमटे हुए हो और दुआएं कर रहे हो, अब इससे ज़्यादा दुआ की कबूलियत का कौन सा वक्त होगा? या आप खड़े हो गए जबल रहमत के ऊपर, सबसे ऊंचे मकाम पर जाकर, और आपने 2 घंटे से हाथ उठाए हुए हैं, अल्लाह अल्लाह या रब या रब। लेकिन हुजूर ने फरमाया कि ऐसे बहुत से लोग हैं, रजुलन युतीलु सफ़रा अशक़सा अगबरा, एक शख्स है सफ़र की वजह से बहुत लंबा सफ़र करके दरबादा थका बादा है, और उसका वो एहराम जो है वो भी मैला कुचैला हो चुका है। जाहिर बात है आज की बात नहीं हो रही है, जबकि आप 4 घंटे में तो पहुंच गए जद्दा, और फिर 2 घंटे में मक्का पहुंच गए, और जाकर फिर 2 घंटे में आपने जो है उम्रा किया और बात छुट्टी, एहराम खुल गया। तो इसमें कहाँ वो एहराम मैला होगा और कहाँ आपका बैल कुचैल होगा और कहाँ आपके जिस्मों से जो है पसीनों की बू आएगी? नहीं। लेकिन जो ये सब करते थे और फिर काबे से मुल्तज़िम से चिमट कर दुआ करते थे, या रब या रब, यमुद्दु यदैहि लिस्समा, वो हाथ उठाता है आसमान की तरफ, या रब या रब। व अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, और उस शख्स की दुआ कैसे कबूल हो? व मतअबुहु हराम, उसके पेट में जो ग़िज़ा पड़ी हुई है वो हराम से है। मलबसुहु हराम, उसका लिबास जो उसने पहना हुआ है, चाहे वो एहराम ही है, वो हराम के पैसे से कमाया गया था। व ग़ुज़िया बिल हराम, और उसका पूरा जिस्म जो है जिस ग़िज़ा से ये तनो तोश तैयार हुआ है वो हराम की ग़िज़ा। ऐसे आदमी की दुआ वहाँ पहुँच कर भी कबूल नहीं होती। लिहाजा तकवा का असल में यार अक्ल हलाल, रोज़ी हलाल की, अगर ये नहीं है तो आपने मुत्तक़ियों की शक्ल बना ली और बहुत ही आपने अपने ज़ाहिर को जो है बहुत आरास्ता पैरास्ता कर लिया सुन्नत रसूल से, लेकिन अल्लाह की निगाहों में उसकी कोई कदर व कीमत नहीं होगी जब तक कि आपका रिस्क हलाल का ना। बारक अल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति वल ज़िक्रिल